शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोज्जनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलं नमामि धन्वन्तरि आदिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके घटं चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजने नमस्ते प्रणाम। मैं वैद्य अरविंद पाठक। आज मैं आप लोगों को ना त्वचा विकारों में कुछ कुछ भस्म का प्रयोग अगर हम लोग करते हैं तो उसका क्या फायदा होता है वो मैं बताने वाला हूं। जो भी मैं बता रहा हूं ये अपने आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जी मदगनी सर के नोट्स हैं जो मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो कपर्दिका भस्म जो है ना आरोग्य प्रकाश नाम के ग्रंथ में बताया है कि अग्नि दग्ध जब भी रहता है अग्नि से जल जाता है कहीं भी बर्न होता है उसके ऊपर कपर्दिका भस्म प्लस मुर्दा श्रृंग जो होते हैं मृदांग श्रृंग वह लेना है। गैरिक लेना है। गुड़ुची सत्व चंदन और वंशलोचन प्लस एरंड तिल इन सबको मिक्स करना है और खरल से घोटकर कपास से मोटा लेप लगाना है वहां पर। तो उससे क्या होता है कि दाह कम हो जाता है त्वचा का रोपण होता है और फोड़ा भी नहीं होता। मैं फिर से रिपीट करता हूं कहीं पर भी बर्न हो जाए जल जाता है कपर्दिका भस्म मृदांग श्रृंग गैरिक भस्म गुड़ुची सत्व चंदन वंशलोचन ये सब समान मात्रा में लेना है। एरंड तेल में मिक्स करके मोटा खरल में ऐसे खरल में घुटते जाना है मर्दन संस्कार करना है और उसके बाद में मोटा मोटा लेप लगाना है तो दाह कम हो जाता है त्वचा का रोपण होता है और फोड़ा भी नहीं होता है। काशिस भस्म के बारे में बताते हैं कि जो जीर्ण निज व्रण होता है अपना ही निज व्रण होता है आगंतुष नहीं है उसमें रक्त और मांस का अगर धातुगत पित्त की दुष्टि है तब काशिस भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। व्रण के भीतर जो स्त्राव है वह स्त्राव जो थोड़ा थोड़ा आ रहा है रक्त भी बार बार आ रहा है किनारे पे मतलब बाउंड्रीज में रेडनेस है और दाह है बर्निंग सेंसेशन हो रहा है और छोटी छोटी पीड़काएं हो रही है तो वह समय काशिस का प्रयोग अभ्यंतर रूप से भी करना है इंटरनली भी देना है और एक्सटर्नली भी वहां लगाना है।
इसकी मात्रा एक से दो गुंजा होती है, मतलब 125 एमजीएम से 250 एमजीएम तक इसका प्रयोग करते हैं। नेत्रगत व्रण में भी अगर कनीनकगत आंखों की ये जो कनीनक संधि है इसमें अगर व्रण हो गया तो कासिस भस्म का बहुत अच्छा उपयोग होता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि व्रणंगनम च श्वित्रशयकनम च कंजरंजनम च पलितम बलि सार्धम विनाशति कंडु विष प्रण। मतलब बाल झड़ते हैं उसमें भी कासिस भस्म का प्रयोग करते हैं, बाल सफेद होते हैं उसमें भी कासिस भस्म का प्रयोग करते हैं, जब कंडू रहता है खुजली आ रही है उसमें भी कासिस भस्म का प्रयोग होता है, श्वित्र रोग है क्षय रोग है इन सब में बहुत अच्छा फायदा होता है। केश रंजन भी बोलते हैं, बहुत सारे केश रंजन द्रव्यों में कासिस भस्म डाला है जो बालों को कलर करता है। इसी तरह से जसद भस्म यशद भस्म के बारे में बता रहे हैं कि जो नाड़ी व्रण होता है मतलब जो साइनस होता है पैलोनिडल साइनस या दुष्ट व्रण रहता है जिसमें बहुत ज्यादा पस आ रहे हैं बहुत ज्यादा सड़न हो गए उसमें अभ्यंतर प्रयोग करना है यशद भस्म आधा गुंजा से दो गुंजा तक, मतलब 75 mg से 250 mg तक इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से रौप्य भस्म जहां पर भी सड़न है गैंग्रीन जैसी कंडीशन है वेदना है दाह बहुत ज्यादा हो रहा है त्वचा जो है वो काला पड़ गया है तब रौप्य भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जो प्रमेह के उपद्रव स्वरूप पीड़िकाएं होती हैं या कोत होता है वहां पर रौप्य का कार्य बहुत अच्छा होता है और कोत में पित्त और वातपित्त की दुष्टि जो मिलती है उसमें रौप्य भस्म का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। आगे मुझे और भी बताना है वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, तो अभी मैं सब लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। हाँ आप लोग एक बार देखिए चेक करिए अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या। हाँ जी सर ठीक है, आप बताइए अपने कुछ केसेस बताइए, सभी लोगों को चांस मिलेगा आज। सर अरेन तेल किस मात्रा में लेना है कपर्द भस्म में? इतना वो लेप लगाने के लिए जरूरत हो उतना, मतलब एक बार में उतना लेना है। हाँ मतलब बाकी सब सम प्रमाण में ले लिया और वो जितना गीला हो जाए, मोटा लेप लगाना है ना तो जितना गीला हो उतना उसमें लगाना है। जो काशीश भस्म है उसको इंटरनली किसके साथ लेना है सर? नॉर्मली त्रिफला के साथ लेते हैं या डायरेक्ट भी लेते हैं, त्रिफला के साथ या गुरुजी के साथ ले सकते हैं, किसी भी द्रव्य के साथ ले सकते हैं। ओके सर। आप यूज करते हैं क्या ये सारे भस्म प्रैक्टिस में? हाँ हाँ सर, कपाल भस्म है, काशीश भी है, यशद भी है सर, मैं यूज करती हूँ, यशद में प्रमेह में ज्यादा यूज करती हूँ सर। अच्छा आप ये बताइए कल स्वर्ण प्राशन में आ रही हैं आप? हाँ जी सर, मैंने आपको अपना फोटो भी सेंड किया और सुबह पूछा भी आपसे। मैं सर को बोलता हूँ वो जल्दी से प्लायर बना दे। हाँ, बस मुझे लगा आज बनाना है इसलिए मैंने आपको मैसेज किया था सर। मैं नहीं बनाता हूँ, डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है? नवीन सर। हाँ तो वही प्रोड्यूसर भी है, मार्केटिंग भी वही करते हैं, सब चीज वही बनाते हैं। हाँ जी ठीक है, हम कलाकार है बस जी। ठीक है डॉक्टर चिराग त्यागी जी। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। आप त्यागी सर के बेटे हैं क्या? नहीं सर। एक त्यागी सर भी आते हैं ना। अच्छा बताइए आप क्या बता रहे थे? हाँ जी सर, सर मैंने आपको एक केस व्हाट्सएप करा था। मेरे को टाइम नहीं मिलता है देखने का, आप यही बताइए ना। सर एक पेशेंट है सर, उसके एनल लीजन में रेडनेस है और इचिंग है जी। जी तो सर मैंने उसके जो वो जी और मैंने उसके फोटो मंगवाए तो उसमें हल्की सी मांस की वृद्धि दिख रही है। अच्छा एनल लीजन में? अच्छा हाँ जी, मैंने ग्रुप में फोटो डाले थे। अच्छा जो मैंने उसके हेतु लिए तो हेतु में सर उसका एक तो फास्ट फूड खाना और दिवा स्वप्न ये मिले सर जी। और सर 2 महीने पहले बुखार आया तो उस टाइम पे जो आयुष 64 क्वाथ था वो पी लिया था ज्यादा मात्रा में। अभी उनको भूख वगैरह लगती है क्या? हाँ जी भूख भूख तो सब अच्छी लगती है सर। अच्छा तो आप क्या करिए, एक तो हमें क्या करना है, दीपन पाचन अनुलोमन करना है, ये कोई भी चिकित्सा सिद्धांत बेसिक है, कोई दीपन दवाई दे दीजिए, पाचन दे दीजिए, अनुलोमन दे दीजिए और वहां पे जो खुजली आ रही है ना। हाँ जी हाँ जी, खुजली आ रही है तो करंज तेल आपको मिलेगा जी सर, करंज तेल जात्यादि तेल वो लगाएंगे तो कंडू कम हो जाएगा वहां पे। ठीक है सर। और अनुलोमन होना चाहिए तो अभ्यारिष दे सकते हैं अगर वहां पे वैसा कुछ है तो अभ्यारिष दे सकते हैं। दीपन पाचन में आप कोई चूज करिए, क्या 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 दे सकते हैं आप बताइए सर। चित्रकादी वटी,
पित्त प्रकृति है तो पित्त प्रकृति को नहीं देना है, बाद का फज है तब दे सकते हैं। ठीक है आगे बताइए। हाँ चित्रकादी वटी और आरोग्यवर्धनी वटी सर। हाँ और अग्नितुंडी वटी सर। हाँ और सर और तो नहीं पता। आप तीनों दवाई इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग दवाई साथ में दे देंगे एक बार एक नहीं सर ये तो एक इनमें से एक इनमें से एक चूज करना पड़ेगा एक तीनों में से। एक बार क्या हुआ कि मैं कहीं गया था तो एक मैडम थी संहिता डिपार्टमेंट की, मतलब हमारी मैडम नहीं कोई और थी, तो वो ना प्रैक्टिशनर नहीं थी, तो उनके पास कोई पेशेंट का कॉल आया तो वो क्या बोल रही थी किसी रिलेटिव का फोन आया तो वो क्या बोल रही थी स्वर्ण सुचेकर दे दो, प्रवाल पंचामृत दे दो, उसके बाद कामदूधा दे दो, सारे दवाइयां बता दिया उन्होंने, एक भी दवाई नहीं छोड़ी। एक पेशेंट पे इतने अत्याचार क्यों करने हैं, एक दवाई पे विश्वास नहीं है क्या? वैसे अगर आप सब देंगे अग्नितुंडी भी देंगे चित्रकादी भी देंगे आरोग्य वर्धन फिर पेशेंट के बॉडी में इतना दाह होगा बर्निंग होगा इतना, इसमें से एक चूज कर दे दीजिएगा। ठीक है सर आरोग्यवर्धनी सही रहेगी सर। हाँ आरोग्यवर्धनी कंडू भी कम करेगी ना क्लेद को कम कर देगी, कुछ रोगाधिकार में है ना। ठीक है सर आरोग्यवर्धनी और अभयारिष्ट। हाँ और अरंड तेल और ये दे देंगे अभयारिष्ट दीजिए या एरंड तेल में एक दे दीजिए और आरोग्यवर्धनी दूध के साथ दे दीजिए या फिर तकपत्र के साथ दे दीजिए। ठीक है सर। खाने में घी ज्यादा रखिए, घी जितना स्नेहन होगा उतना फायदा होगा अग्नि प्रदीप्त होगा है ना, इतना करिए फिर रिजल्ट बताइएगा। ऐसे और ठीक है सर अगर पाइल्स जैसा कुछ लग रहा है तो सूरन वटक दे सकते हैं, कांकायन वटी या फिर अर्श कुठार रस इसमें से कुछ दे सकते हैं सर। अभी पाइल्स तो नहीं है लेकिन पाइल्स से जो पूर्व रूप है वो है क्या सर? पाइल्स नहीं है अभी, पाइल्स के पूर्व रूप है। हाँ तो फिर उनको ना वॉकिंग करने को बोल देंगे तो ठीक हो जाएगा, तक्र दे देंगे या तकरा ऋष दे देंगे तो फायदा हो जाएगा, कोई आसव ऋष जरूर दीजिए कि वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाए। ठीक है सर। ठीक है ठीक है आगे कौन बोलेगा? डॉक्टर रवीना यादव जी। गुड इवनिंग सर। सर मेरे को कुछ पूछना था सर। हाँ जी सर मैं ठीक हूँ सर। सर कुछ पूछना था मेरे को सर, मैंने पीसीओडी के पेशेंट में सद्य वमन करवाने के लिए सर 2 TSP अप्रोक्सिमेट सर 6 ग्राम मदन फल दिया है सर, वो ज्यादा तो डोज नहीं है सर। और वो पेशेंट का कोस्ट कैसा है, अग्नि कैसा है? सर वो सब नॉर्मल से पेशेंट ही है सर। तो आपने कितना दिया? 2 टीस्पून सर। हाँ जी सर। तो ठीक है ना सर, ये ज्यादा डोज तो नहीं है सर, अभी मैंने कल देना है सर तो इसलिए मैं पूछ रही थी, थोड़ा लग रहा है सर कभी ज्यादा डोज। एज कितना है? एज कितना है सर? एज सर 20। 20 इयर्स। मेल की फीमेल? फीमेल सर, पीसीओडी के हैं सर। पीसीओडी के? और आपको क्या क्या दवाई देना है उनको? सर अभी मैं पहले उनको सद्य वमन ही करवा रही हूँ, उसके बाद सर मेडिसिन प्लान करूंगी। तो क्या दे रही है वमन के लिए? सर पहले आकंठपान दुग्धपान करवाना है और सर उसके बाद मदन फल सर। तो कितना मदन फल कितना लेंगी और दूध कितना सर, दुग्ध तो सर आकंठपान जितना पिएंगे पेशेंट। हाँ, बराबर। और सर 2 TSP सर मधु के साथ मिक्स करके चटाना है। हाँ, सर वो सर, तो आप क्या करिएगा, आप सुबह हमें भी दिखाएंगे क्या लाइव? सर वो तो सर हॉस्पिटल में सर लेट ही आएंगे पेशेंट तो हम रहेंगे ना कल स्वर्ण प्राशन बना दूंगे। ठीक है आपकी मर्जी। तो उसमें क्या मधु के साथ चटा, पहले दूध पिला देंगे आप, ठीक है, के बाद मदन फल को चाटन करके बिठा दीजिएगा, फिर वो पेट में जाएगा डिसॉल्व होगा और फिर खींच के उल्टी निकलेगा। तो इसमें 45 मिनट टाइम देना चाहिए, एक मुहूर्त तक टाइम देना चाहिए ऐसे ग्रंथों में बोला। सर अतियोग तो नहीं हो जाए सर, कुछ हो जाए अतियोग तो हो जाए। मैं पेशेंट को 15 लीटर पिलाता हूँ यष्टि मधु को। सर मेरा फर्स्ट टाइम है इसलिए सर थोड़ा ऐसा लग रहा है, डर लगता था, मुझे भी डर लगता था ऐसे। सर अगर अतियोग हो जाए तो सर मैं क्या दूर सुनूं? अगर नहीं होगा अतियोग तो? अगर नहीं होगा तो सर ये ठीक है, ये डोज ज्यादा नहीं है सर, ये बराबर है डोज। ठीक है सर, ठीक है आप कराइएगा और कुछ प्रॉब्लम नहीं तो कॉल करिएगा। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर अनुप्रीता शिंदे जी आप बताइए। जी सर अभी एक केस डिस्कस हो रहा था ना ये सर का, कैसे पूछ रहे वो चुभन होते है। हाँ, उसमें आप आती है एनएल की। हाँ सर, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ज्वर भी आ गया था तो पित्त प्रधान इसमें संप्राप्ति हो गई है और उसके बाद उन्होंने काढ़ा भी लिया था
तो उसमें बहुत ज्यादा तेज द्रव्य डाले हैं, तो पित्त शमन के लिए मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने पंचतिक्त घृत या महातिक्त घृत या शतावरी घृत का रसायन काल में 20-20 ml बढ़ाते जाते हुए जैसे भी कोष्ठ है पेशेंट का वैसे उनको घृतपान पहले कराना चाहिए, और सूत शेखर जैसी जो पित्त शामक दवाई है ना वो उनको खाने से पहले दे दे तो पित्त शमन अच्छे से हो जाएगा। और बाकी वहां पे जो वो बोल रहे हैं ना पहले संप्राप्ति जैसे हर्षक की पूर्व रूप है तो उसमें अनुलोमन के लिए भी उनको एक नित्य विरेचन कुछ तो देना चाहिए, और जैसे आपने बोला करंज तेल या फिर शतावरी घृत जैसा वहां का स्थानिक ये करने के लिए पीछू रखने के लिए बोलना चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है सर इनकी संप्राप्ति जैसे पित्त की तरह। कोई भी ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं, क्या रिजल्ट आ रहे हैं उपचार से हमें पता चलता है। जी सर बहुत अच्छा बताया आपने, ऐसे ही सब लोग भी बताइए अपना अपना कुछ व्यू, हर केस में अपना व्यू बताएंगे तभी तो दिमाग चलेगा जी। और कौन बताएगा कुछ केस? रवीना जी आपका हैंड रेज है, आप कुछ और बोलना चाहती हैं? ठीक है रवि कुमार जी आप क्या बोलना चाहते हैं सर? जी सर प्रणाम। प्रणाम सर, मैंने पिछले में जिक्र किया था कि मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उसको उसने दो डोज वैक्सीन की लगवाया था सर, उसके बाद उसको प्रॉब्लम हो गई थी, उसको जो है एसआईटिस हो गई थी और सर जो है प्लूरल इफ्यूजन हो गया था जी। तो मॉडर्न ए डॉक्टर ने उसका पैरासेंटेसिस करा के उसके आधार पर ATT चला दी थी, ATT से उसको परेशानी होने लगी थी, तब वो मेरे पास आई थी तो मैंने सर उसको जो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट दिया उसमें सर जो है स्वर्ण बसंत मालती अपरक बसमती असर जो है जी। और इसके अलावा जो है 64/50 दिया और आमल की संख दिया सर जो है जी। और फल इत्यादि क्वाद दिया सर जी। तो पेशेंट को आराम मिल गया सर काफी जो है जी। बहुत बढ़िया जी सर, अभी मैंने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, परसेंट आराम है पहले से आपके हिसाब से? करीब करीब 30-40% आराम हो गया सर। बहुत अच्छा आप कर रहे हैं जी, तो आप ऐसे करते रहिए सर, हम हमारी शुभकामनाएं आपको। कोई भी डिफिकल्टी आती है तो पूछ सकते हैं आप आराम से जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, मैं आपका आम पाचक वोटी मंडे को भेज दूंगा, आज सब बंद हो गया था जी। जी सर ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है क्या? डॉक्टर निमिषा शर्मा जी आप कुछ बोलना चाहती है क्या? डॉक्टर गरिमा गुप्ता, हाँ आज गरिमा गुप्ता जी का वो करना है ना हमें, डॉक्टर गरिमा गुप्ता जी आप कृपया आ जाइए ना, आज आप सुबह इतना बढ़िया बता रही थी, सब लोग का फोन आया कि सर गरिमा गुप्ता मैडम का एक सेशन करा दीजिए। अच्छा अच्छा सर, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को, प्लीज मैं आपको स्पॉटलाइट करता हूँ, ये मैडम इतना अच्छा सा बता रही थी आज सुबह, सुबह का सेशन में इतना लग रहा था कि सुनते रहो इतना अच्छा बता रही थी मैडम, आप वीडियो ऑन करिए ना प्लीज। सर अच्छा करती हूँ मैं, आपका सुन के हमें भी लगा कि हम भी अब गायनेक प्रैक्टिस शुरू कर दें, डिलीवरीज में आप कितना अच्छा बता रही थी सब, लाइट में नहीं है क्या? लाइट में रहिए, लाइट में अच्छा अच्छा सर ओके, लाइट में आएंगी तभी तो दिखेंगी ना जी जी। ये मैडम इतनी अच्छी मैडम है, इतना अच्छा से बता रही थी, वास्ट नॉलेज इनका, एक्सपीरियंस भी है। एक मिनट, तब तक प्रभात पांडा जी बोल रहे हैं कि रवि जी आप अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एक बार बता दीजिए ना सर। गरिमा जी एक मिनट रुक जाइए प्लीज। रवि सर मैंने जी सर, जी सर मैंने उनको स्वर्ण बसंत मालती अभ्रक भस्म दिया था सर, हाँ, और 64/50 दिया था सर, हाँ, त्रिकाली क्वाद दिया था, आमलकी और संघ भस्म दिया था सर, हाँ, ये बस इतना ही दिया था सर मैंने। प्रभात जी आपको मिल गया आंसर? हाँ सर थैंक यू सर। देखिए मैं स्वर्ण प्राशन का जो बैनर बना है वो मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, इसमें से किसी और को रह गया किसी को ऐड करना है तो वो करवा सकता है, एक बार मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ वो आप देख लीजिए, किसी को ऐड कराना है तो अपना फोटो और डेजिग्नेशन भेज दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। और एक मिनट मुझे गरिमा गुप्ता जी को बुलाने दीजिए ना, मुझे उनका सेशन करवाना है। गरिमा गुप्ता जी सर मैं ग्रुप में नहीं हूँ, मेरी गलती नहीं है, आप मुझे एक मैसेज करिए मैं आपको अभी भेजता हूँ बैनर जो बना है। ग्रुप में क्यों नहीं है सर? हमें भी ग्रुप में ऐड कर लीजिए, हम कल आप नहीं है ग्रुप में, मैं पूरा दिन ढूंढते रहे आपको। अच्छा हाँ,
आप मुझे एक मैसेज करिए, जो लोग ग्रुप में नहीं है मैं लिंक देता हूँ। ठीक है, आप गरिमा गुप्ता जी आप प्लीज वीडियो ऑन करिए प्लीज। जी जी जी, प्रणाम सभी को। आप अपना फेस पे लाइट डालिए ना, पीछे लाइट आ रहे, चेहरा पर लाइट आना चाहिए। तो सर मैं ऐसे बैठूं, आप सही आ रहा है? नहीं, लाइट पे, चेहरा पे लाइट आना चाहिए। हाँ हाँ, प्रणाम आपको। प्रणाम सभी को, प्रणाम आपको भी। आप अपना जो स्पेशलिटी है जो सुबह बता रही थी वो बताइए। अंजना मैडम भी आई है, सक्सेना मैडम भी आई है। प्रणाम हमारे गुरुजी नाना जोशी सर को, प्रणाम धनवंती भगवान को, फिर नाना जोशी सर को। सर मैं प्लेन बीएमएस हूँ, छोटी मोटी डॉक्टर हूँ, लेकिन गायनी में मेरा इंटरेस्ट बहुत था। मैं इसी इंटरेस्ट को लेके ही मतलब डॉक्टर बनी और मैंने गायनी में खूब काम किया। जब मेरा मन अब फिर उसमें भर गया तब अब मैं जो है इधर आयुर्वेद की तरफ वो करने लगी हूँ। तो मतलब मैं गायनी प्रैक्टिस करती हूँ, तो मतलब मैं करती थी, फिर उसके बाद मैं नाना जोशी सर के यहाँ गई, तो वो वहाँ पे तो पूरा पंचकर्म होता है आपको पता ही है सब लोगों को। तो मैं फिर करती थी वहाँ, तो नाना सर के पास मैं बैठी तो नाना सर से बोले बेटा आप क्या करती हो? तो हमने कहा नाना जी हम सिर्फ गायनी का प्रैक्टिस करते हैं, बाकी मुझे आयुर्वेद में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन अब हम गायनी का प्रैक्टिस छोड़ना चाहते हैं क्योंकि बहुत परेशान हो गए हैं और इसीलिए हम फुल उसमें करना चाहते हैं। तो वो मुझे समझाने लगे करो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तो हम कहने लगे उसमें बहुत हमें मेहनत करनी पड़ती और बहुत परेशानी। तो वो वही मुझे समझाने लगे कि तुम बस्ती लगा के किया करो। तो फिर मैंने वास्तव में उसको अप्लाई करना, जब मैं वहां से आई तो वहां पर तो गायनी के केसेस नहीं होते हैं, लेकिन उनकी चीजों को हमने फॉलो करना शुरू किया और फिर अष्टांग संग्रह प्रवीण जोशी सर ने मुझे बताया था। मैंने कहा मुझे सर कुछ भी नहीं आता आयुर्वेद में और मैं बस सीखने की कोशिश करें, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अष्टांग संग्रह पढ़ो और धीरे धीरे करती जाओ, धीरे धीरे हो जाएगा। तो मैंने वही फॉलो करना शुरू करा। तो मैं गायनी की जब मैं फर्स्ट पेशेंट को मैंने लगाया तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। एक पेशेंट हमारे पास आया और वो पेशेंट उसका लीकिंग हो गया था और उसका वन फिंगर ऑल्सो ओपन था उस दिन, और उसका पेन स्टार्ट नहीं था और वो नॉर्मल डिलीवरी चाहता था। तो मैंने देखा तो मैंने कहा पेन तो स्टार्ट नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेन स्टार्ट होना जरूरी है, वन फिंगर ऑल्सो ओपन है, लेकिन उसका सर्वाइकल स्टेनोसिस था, पहले केसेस, पहला जो केस किया था मैंने। तो फिर मैंने उसको बताया कि आयुर्वेद में ऐसा ऐसा है कि बस्ती लगाने से जो है मैंने सुना है कि ऐसा होता है, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है इसलिए मैं तो फिर वो उन्होंने सोचा कि कोई नया है तो फिर नहीं करवाएंगे, तो बोले ठीक है हम घर जा रहे हैं। और फिर उनका फिर डिस्कस हुआ, फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया, फिर वो मेरे पास आए, फिर मुझसे कहने लगे मैडम आप तो जो बता रही थी खुद कह के उन्होंने करवाया कि जो आप बता रही थी वो कर दीजिए, देख लेते हैं उससे क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो जो है बोलो चुप रह, तो जो है मतलब मैंने फिर उनको बस्ती दे दिया डॉक्टर, और उसने पता मैंने क्या किया था, सिर्फ 50 ml मात्रा बस्ती दिया और उसके बाद मैंने उन्हें एडमिट भी नहीं किया और घर जाने को बोल दिया। डॉक्टर साहब इतनी देर में फिर हम मार्केट चले गए और मार्केट जाने के बाद उनके इतने फोन आए मुझे, मैडम पेन स्टार्ट हो गया है। मैं तो हमने कहा कोई बात नहीं अभी होने दीजिए, मुझे भी नहीं मालूम था बस्ती का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, तो मैंने कहा होने दीजिए अभी तो वन फिंगर और ओपन है और उसमें परेशानी क्या है, दर्द स्टार्ट हो गया है तो थोड़ा होने दीजिए। पर उन्होंने मुझे फिर फोन किए मतलब मार्केट में 2-3 बार, फिर उसके बाद मैं घर आ गई, फिर उसके बाद वो आ ही गए। और डॉक्टर साहब पता जो सर्वाइकल स्टेनोसिस था, जो मुझे लग रहा था कि वो डिलीवरी जो है सिजेरियन की तरफ बिल्कुल जा रही थी और वो स्टार्ट हो गई, और पता उसमें मुझे कुछ भी और लगाना ही नहीं पड़ा। बाद में लास्ट में मैंने थोड़े इंजेक्शन जरूर लगाए और उसमें इतना अच्छा ऑस ओपन हुआ और इतने अच्छे से डिलीवर हो गया कि मैं बता नहीं सकती, बस कुछ नहीं कह सकती है। नाना जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो केस मैंने पहला केस ऐसे किया। फिर मैंने उनकी बातों को ध्यान कर करके अप्लाई करना शुरू कर दिया और बहुत फायदा हुआ। अब मैं बस्ती लगा के काफी केसेस करती हूँ, यही सब है। और बाकी जो किसी को प्रश्न पूछना है तो मैम से पूछ सकते हैं। मैम उत्तर बस्ती दी थी या नॉर्मल बस्ती?
नहीं उत्तर वस्ती तो सर जो मैं करती हूँ वो तो सर उत्तर वस्ती मैं उसमें करती हूँ ना, जो ये फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज होती है उसमें भी, वो भी मैंने वहीं सीखा था कीर्ति मैम से। तो कीर्ति मैम हमारे काशी शादी तेल से वस्ती करती थी, तो यहाँ पर जब मैं आई इसमें भी मैंने युक्ति लगाई, क्योंकि मैं वहां से जो भी लाई थी उत्तर वस्ती करने का, वहां पे एक इंस्ट्रूमेंट मिलता है कैनुला, तो वहां से मैं लेकर आई थी। तो वो जब हमारे खत्म हो गए तो उसके बाद मैंने सोचा मैं उत्तर वस्ती कैसे दूं, तो फिर जो है मैंने उत्तर वस्ती किया। उत्तर वस्ती में भी मुझे बहुत सक्सेस रेट मिले। एक पीलीभीत का पेशेंट है और वो जो है उसको उसकी फेलोपियन ट्यूब बिल्कुल ब्लॉक थी और उसको मना किया था, लेकिन उसके बाद हमने सिर्फ उसकी 3 उत्तर वस्ती की और उसको चाइल्ड हुआ। अभी मेरे पास फोन आया था कि जो है मैडम एक पीलीभीत के पेशेंट को आपने उत्तरवस्ती किया था तो उनका बहुत सक्सेसफुल रहा, तो मेरा भी आप कर दीजिए उत्तरवस्ती। तो हमने किस कहा काशी ठीक है पहले आप सारी चेक तेल से करा। की थी मैडम? काशी सारी तेल से? काशी जी सारी तेल? काशी शादी तेल से किया, हाँ, काशी शादी तेल से किया था। और पता सर ये जो है एक मेरे मेल डॉक्टर फ्रेंड है तो मिलने वाले, वो मतलब उत्तरवस्ती नहीं कर सकते थे तो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया, वो इसमें आयुष दर्पण में भी इसमें हैं, शायद वो अभी अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। डॉक्टर अभिषेक शर्मा, तो वो जो है उनकी हमारी बातचीत होती रहती है, वो हरदोई में है, तो उनको मैंने बताया तो वो मेल है तो उत्तरवस्ती नहीं कर सकते। तो पता है मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं आप उत्तरवस्ती का पिचू रखवा दीजिए, उसका काशी शादी तेल का सॉरी पिचू रखवा दीजिए, उससे भी बहुत बेनिफिट होगा। और वाकई में उनके पेशेंट को काफी, अगर वो है तो फिर अनम्यूट करके बोले कि जो है उनके सिर्फ काशी शादी तेल का बस्ती रखने से उनका ओपन हो गया फेलोपियन ट्यूब और उनको प्रेगनेंसी रुक गई। कितने ml इस्तेमाल किया था काशी शादी तेल उत्तर बस्ती में? देखिए काशी शादी तेल का मात्रा सबका बहुत डिफरेंट डिफरेंट रहता है, लेकिन इसमें मैं डॉक्टर रामदास सर अवार्ड को फॉलो करती हूँ और मैं उनको क्लिनिक पे सीखी तो नहीं हूँ लेकिन मैं वहाँ सीखे हुए स्टूडेंट से मैं मिली हूँ, तो उनसे मैंने पता किया है कि वो बोलते हैं 0.5 ml की मात्रा में डालना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कि वो थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट में रह जाता है, तो मैं 0.5 ml से ज्यादा 1 ml तक डालती हूँ बस। डायरेक्ट इंटरनल ओस में देते हैं या बाहर ही दे देते हैं? नहीं बाहर कैसे देंगे, अगर आपको यूट्रस में पहुंचाना है ना तो देखिए जी थोड़ा सा डिस्टेंस होता है बाहर, ये जैसे फिंगर है हमारी तो ये जो बाहर का है ये बेटा पकड़ना इसको, तो उसमें क्या होता है जैसे ये फिंगर है तो ठीक है इसको बिल्कुल आप यूट्रस की आकृति गुब्बारे की तरह समझिए, जैसे हमारा बैलून होता है तो बैलून में भी क्या होता है उसकी गर्दन सी जो आगे दिखाई देती है, तो उसमें जो हाँ हाँ बाहर का ऑस होता है और इंटरनल होता है बिल्कुल वैसे ही, एक्सटर्नल ऑस इंटरनल ऑस बिल्कुल उसी तरीके से होता है। तो पता क्या होता है उसका जो कैनुला होता है महाराष्ट्र में मिलता है नहीं करना जी है, वो कैनुला डाल दीजिए और आराम से वो जो है वो मेडिसिन डाल दीजिए बहुत आराम से हो जाता है। और पता मुझे तो यहाँ मिला नहीं, तो मैंने पता क्या किया फिर मैंने बहुत कोशिश की महाराष्ट्र से आ जाए तो महाराष्ट्र से मुझे मिल नहीं पाया, तो प्रवीण सर के यहाँ से भी नहीं मिल पाया। फिर मैंने क्या किया कि फ्रूटी का जो पाइप होता है जिससे बच्चे फ्रूटी पीते हैं क्या, जी तो मैंने क्या किया वो फ्रूटी का पाइप बॉयल कर लिया ठीक है, उसको स्टराइल कर लिया, और स्टराइल करने के बाद में ऑस इतना ओपन हो जाता है जो एक सबसे पहला। सेकंड जी का हेलो हेलो हाँ किशोर बताइए आप बताइए आप बताते रहिए, ये बीच में अनम्यूट करके कुछ और आवाज आती है, आप अच्छा बोलते अच्छा रहिए। तो पता मुझे यहाँ नहीं मिला, तो फिर आयुर्वेद में युक्ति हमेशा काम आती है, तो मैंने क्या किया कि वो जो है वो फ्रूटी का पाइप को मैंने स्टराइल कर लिया, और हमारा जो पतला वाला, जो लोग डीएनसी वगैरह करते हैं उन्हें पता होगा जो हमारा पतला वाला वो होता है कैनुला सबसे, तो डायलिटेशन के लिए डाला जाता है वो हमने डाल के, और फिर उससे जो है जो सिरिंज होती है उसकी निडिल निकाल के सुई निकाल के उसमें हमने ऑयल भर के पुश कर दिया, हमारा उससे भी हो गया और जो है हमने उस तरीके से भी उत्तरवस्ती किया। मैडम एक मेरे दिमाग में प्लानिंग आ रही है, युक्ति आ रही है,
जी मैं डिस्कस करना चाह रहा था, जैसे आपने फ्रूटी का पाइप इस्तेमाल किया, हाँ हाँ वैसे ही नीडल निकाल के अगर जो हम 7 नंबर का प्लेन रबर कैथेटर इस्तेमाल करें। नहीं सर, वो इतना नहीं हो सकता। लेकिन अब मैंने एक युक्ति और अप्लाई की है, वो भी आप लोग को बताती हूँ, और यूज करिए, अब आपको उस कैनुला की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बच्चे की फीड वो होती है, फीडे वो अंदर जो म्यूकस चला जाता है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, हाँ वो बताती हूँ, और वो वहाँ फीडिंग ट्यूब वो मैं मंगाती हूँ और उसको आगे से कट कर देती हूँ, ठीक है। और बस उसको यूट्रस में जितना मतलब डालना है, बहुत ज्यादा लंबा सारा कट ही हो जाता है, आप ऐसे समझिए ये टू इस तक मतलब यहाँ तक हम लोग इतना रखते हैं और यूट्रस में आराम से चला जाता है और उसमें नीडल भी फंस जाती है और बहुत आराम से सारी मेडिसिन चली जाती है, ना कोई कैनुला चाहिए ना कुछ चाहिए, बहुत अच्छे से करती हूँ मैं। अच्छा, हेलो, कितनी अनुवासन बस्तियां कितनी देती हैं मैडम आप इस केस में भी, और जो आपका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज था उसमें भी कितनी अनुवासन बस्तियां देती हैं, नंबर एक ये, और नंबर दो क्या आपने कभी पद्मकादि घृतम का इस्तेमाल किया अनुवासन बस्ती में? ये जो आप उत्तर बस्ती देती हैं ना, ये आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज में, जी ये कितनी देती हैं? काशीसादि तेल की जगह क्या कभी पद्मकादि घृतम का इस्तेमाल किया? नंबर तीन, कितनी बस्ती देती हैं जिसमें फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज आपने खुलते हुए देखा होगा हिस्टेरोसाल्पिंजियोग्राफी में? जी सुनिए, मैंने ये घृत नहीं सुना, पद्मकादि घृत जो भी आप बता रहे हैं, मैंने इसके बारे में, है योनि रोगों की, जी योनि रोगों की ड्रग ऑफ च्वाइस है। अच्छा सर, नहीं सर मैंने नहीं दिया, मैंने सिर्फ काशी शादी तेल और छार तेल का यूज किया है। काशी शादी तेल मैंने ज्यादा यूज करती हूँ और छार तेल का मैंने एक बार याद हो शायद आप लोग को बताया भी था, छार तेल के बारे में हमारा अनुभव थोड़ा सा ऐसा रहा कि एक पेशेंट थी, भगवान जाने वो हमें पागल बना रही थी या फिर वो सचमुच था, मैं नहीं जानती। उसके बारे में मैंने रेणुका मैम से डिस्कस भी किया था, अगर आप लोगों ने सुना हो, कि छार हमने एक पेशेंट को छार तेल हमने कभी यूज नहीं किया था, तो मुझे लगा कि अंदर जाके वो कहीं कोई इंजरी वगैरह ना कर दे। तो फिर हमने एक बार पेशेंट में छार तेल यूज किया, तो एक पेशेंट में जिसने हमने यूज करा फर्स्ट टाइम, उसने मुझे एक अजीब सा ये बताया कि जब हमने छार तेल उसको दिया तो उसको बाद में हस्बैंड उसका बोल रहा था कि हम लोगों को सेक्सुअल रिलेशन में बहुत ही प्रॉब्लम होती है और मतलब इतना प्रॉब्लम होता है कि मैं रोने लगता हूँ, मतलब मैं पास में जा ही नहीं पाता हूँ, वो मेरा बड़ा खराब एक्सपीरियंस था। तो मैंने रेणुका मैम जो आई थी, जिन्होंने बहुत सारी बस्तियां की थी, उनसे मैंने डिस्कस किया था, तो वो मुझको यही बता रही थी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो आपको मतलब ऐसे ही बोल रहा है। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, वो मैंने नीचे से फिर सारा चेक किया, उसको कोई भी इंजरी नहीं थी, कुछ भी नहीं था और बिल्कुल सॉफ्ट था, सारा स्किन सही था। फिर उसके बाद में हमने फिर भी उसको करेक्ट करने के लिए त्रिफला धावन दिया और मैंने कहा था कि घृत जो है वो मतलब लगाए तो उससे ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद भी एक आध पेशेंटों में हमने यूज किया पर हमारा कोई ऐसा खराब एक्सपीरियंस नहीं था, पर हमने ये देखा है कि छार तेल को यूज करने से ये जो है बैक पेन बहुत हो जाता है, कमर में दर्द अक्सर पेशेंट को हो जाता है। अच्छा, एक चीज मैम, थोड़ा सा मैं जो प्रश्न हमारा था कि कितनी अनुवासन बस्तियां देनी पड़ी फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज को खोलने के लिए, कितनी मात्रा तेल की इस्तेमाल की? जी जी सर, हम जो है ये छठे दिन देते हैं, फर्स्ट बस्ती जो देते हैं हम छठे दिन देते हैं और इसके बाद में फिर मैं एक दिन का गैप रख के फिर दूसरी बस्ती देती हूँ, फिर मैं एक दिन का वो देके फिर मैं तीसरी बस्ती देती हूँ, या मैं फिर ऐसा करती हूँ कि सिर्फ दो बस्ती प्लान करती हूँ, एक छठे दिन देती हूँ, एक सातवां दिन गैप करके आठवीं दिन देती हूँ, और फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट मंथ में फिर दो बस्ती देती हूँ, वही छठे दिन और फिर सातवां दिन छोड़ के फिर आठवें दिन, और फिर मैं थर्ड मंथ फिर देती हूँ। रिजल्ट आने होते हैं तो इतनी बस्ती में आ जाते हैं सर, और नहीं आना होता है तो नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू।
जी सर, मैडम नमस्ते। ब्लॉकेज का बताया क्या आपने? हेलो जी, हेलो, ब्लॉकेज के लिए बताया क्या आपने? छठे और आठवें जी, उनसे ब्लॉकेज के लिए पूछा ना, तो फिर मैं मतलब 3 महीने कंटिन्यूस करती हूँ। कंटिन्यूस में मैं फोर्थ डे तक तो मेंसेस ही रहता है, फिफ्थ डे बंद जाता है, तो फिर मैं 6 डे बुलाती हूँ ना, 6 डे करती हूँ, फिर 7 डे का गैप कर देती हूँ एक दिन का। डायरेक्ट शार तेल और काफी तेल। अच्छा मैम, एक चीज और भी पूछना चाह रहा था। वीडियो हैंग हो गया है तो? मैम आपका वीडियो हैंग हो गया है। डॉक्टर गरिमा गुप्ता जी, आपका जी, वीडियो जी, हैंग हो गया था। हेलो मैम, एक चीज और पूछना चाह रहा था। जी सर पूछिए। आज मैं कहीं पढ़ रहा था जी कि जिस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा हो, हाँ, उस समय इंटरनल लॉस ओपन रहता है जी, उस समय अगर उत्तर बस्ती का इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा इफेक्टिव रहती है। सर उस समय कैसे करेंगे आप? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट रहता है तो वो हमारे इंटरनल जो वो होती है साइकिल को स्टार्ट हुए तो वो गंदगी अंदर से निकल रही है, ठीक है, और सर अगर जब कोई निकल रही है और हम डालेंगे तो वो कितनी देर रुकेगी, ठीक है, तो यही चीज है कि मतलब हमें तो थोड़ी देर अंदर रोकना भी है, क्योंकि उत्तर वस्ती लगा के हम लोग पेशेंट तुरंत उठाते नहीं है, हम लोग उत्तर वस्ती लगा के पेशेंट को जो है वो लेटा रहने देते हैं आधा घंटा करवट से, फिर उसके बाद। और एक चीज, अगर सर बाहर आ रही है तो उस समय वो बाहर आने के लिए पैसेज खुला है ना, तो उस समय जो है वो ऐसा करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि कोई भी वस्ती अगर कहीं लिखा है तो मुझे लगता है वो अगर शास्त्र में लिखा है तो मैं नहीं कह सकता। डॉक्टर आर विद्यानाथ जी ने लिखा है अपनी किताब में उत्तर बस्ती के टॉपिक में। अगर कोई अगर मल त्याग कर रहे हैं आप या यूरिन पास कर रहे हैं तो आप बस्ती देंगे क्या नीचे से? वो चीज तो निकलने देंगे ना। विद्यानाथ जी ने लिखा है, उन्होंने गलत लिखा है। मैं आपको बताता हूँ, जब मेंसेस साइकिल बंद हो जाता है तब 5 दिन ये इंटरनल लॉस खुला होता है, उनके लिखने में गलत हो गया है। जब मेंसेस का फ्लो आ रहा है तब बस्ती कैसे देंगे आप सर बस्ती? तो लॉजिक ही गलत है ना। चलिए मैडम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था। मैथुन भी वर्ज्य बोला है रजस वाला टाइम में। सर पूछिए आपका प्रश्न। मैडम ये पूछना चाहता था कि आप डिलीवरी के जस्ट पहले आपने एक वस्ती बताया, आपने वस्ती किया था जिससे फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई, तो वो जानना चाहता था मैडम, वो क्या आपने वस्ती दिया था, उसमें वस्ती द्रव्य क्या था, और दूसरा ये मैडम। जी जी सर, कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है या फिर मैडम? आपसे आपसे जी, आपसे ही प्रश्न है गुप्ता मैडम, आपसे ही है। अच्छा, नहीं सर मैं क्वेश्चन नहीं सुन पाई क्योंकि वो फोन जो है वो मीटिंग उसमें वो ऑफ हो गई, तो मैंने दूसरे फोन से। एक मिनट गुप्ता मैडम जी, आप अपना कैमरा है उसको एक स्टेबल करिए, स्टेबल, और थोड़ा अपने चेहरे पे लाइट आने दीजिए, पीछे से लाइट आ रहा है। अच्छा, आपके चेहरे पे लाइट आना चाहिए। अच्छा सर, आपने हाँ अभी ठीक है, दूसरे लाइट ऑफ कर दीजिए, आपके चेहरे पे लाइट आना चाहिए। कैमरा को ना स्टेबल रखिए, चेहरे पे लाइट आए। हाँ मैं सर वो माइक नहीं लगाई ना, तो सुनने के लिए पास में कर अभी कैमरा इधर, ठीक है ठीक है, या फिर वो माइक पे आओ तो फिर जी। क्वेश्चन सर रिपीट कर दीजिए। हाँ मैडम नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर बोल रहा था। मैडम अभी आपने बताया कि जस्ट डिलीवरी से पहले जब सर्वाइकल इस पास में था तो फिर आपने एक बस्ती दी थी, बस्ती देने के बाद फिर बड़ी सहजता के साथ डिलीवरी हो गई, तो वो जानना था मैडम आपने कौन क्या बस्ती दिया आपने मात्रा बस्ती में? अच्छा सर, कौन सा द्रव्य दिया? जी जी सर, देखिए इसमें जो सर्वाइकल स्टेनोसिस हो जाती है इसमें एलोपैथिक मेडिसिन भी काम नहीं करती है। आप कितना उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन लगाइए, कितना
मीजोप्रॉस लगाइए, वो जो है अच्छे से ऑस ओपन ही नहीं होता, और फिर पता है एलोपैथ वाले क्या करते, जो इधर उधर टूटे छोटे होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा मीजोप्रॉस लगाते रहते हैं, और फिर मीजोप्रॉस लगाने से पता क्या होता है, ये तो हो जाता है कि डिलीवरी हो गई, लेकिन पता उसमें बच्चे का कितना लॉस होता है, और उसके जो पेशेंट होता है और दूसरे जो उनके साथ वाले होते हैं वो ये समझ भी नहीं पाते हैं कि मतलब मीजोप्रॉस लगाने से कुछ हुआ होगा, मतलब कितनी सोचिए कैसी बात है कि पेशेंट तो सोच रहा है हमारा नॉर्मल डेली पॉलिसी के पीछे पड़ा रहता है, और डॉक्टर लोग मीजोप्रॉस लगा लगा के जो है वो बच्चे बेचारे डेड हो जाते हैं, और हम लोगों के आयुर्वेद में इतनी अच्छी विद्या है जिसे लगाने से, सर मैं बता रही हूँ इतना ज्यादा, वैसे समझिए कि मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो जाता है और अच्छी डिलीवरी होती है। मैडम वो कौन सा द्रव्य था, कौन सा आपने? द्रव्य की कोई जरूरत नहीं है इसमें, सिर्फ उससे करिए तिल तेल से, किसे सिर्फ सब तिल तेल से करिए, उसमें द्रव्य की कोई जरूरत कोई नहीं, सहचर नहीं, प्लेन तिल तेल से करिए, कोई प्लेन तिल तेल किसी, हाँ सर किसी द्रव्य की जरूरत ही नहीं है। अच्छा अच्छा कितना मात्रा क्या रहेगा मैडम, कितना एमएल का? सर इसमें मात्रा जो है ऐसा रहता है कि ये थोड़ा सा देखना पड़ता है, कभी कभी 100 ml भी काम करता है और कभी कभी सर 200 ml, ज्यादातर 200 ml ही लगाते हैं। जी जी मैडम एक प्रश्न और था मेरा, बस आपने उत्तर बस्ती के स्थान पे मैडम बताया कि एक पिचू भी रख सकते हैं हम लोग, तो हाँ, वो उसमें थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए मैडम, वो पिचू अच्छा, आपने कैसे बनाया, आप कैसे रखा? देखिए पिचू जो ये आता है, जो पत्तियां आती हैं पौध हैं, तो बस उसी का जो है पेन में रखिए उसको, पट्टी को ठीक है ऐसे करके रोल कर लीजिए हैं, और जो है कई दिन रखना है पिचू ना, तो ऐसे करके पेन रख के उस पट्टी को ऐसे करके करके कर लीजिए, और ऐसे करके वो बना लीजिए ठीक है, और बनाने के बाद में काट के ढेर सारे पिचू एक साथ बना लीजिए हैं, और फिर उसके बाद जो है उसे कॉटन में रख के और नीचे भगोने में गर्म पानी रखिए, और उसके ऊपर वो पिचू रख दीजिए ठीक है, और उसे ढक दीजिए, तो वो पिचू जो है आपके स्टराइल भी हो जाएंगे, फिर आप उसे सहज के मतलब उसमें रख लीजिए किसी चीज में, और उसके बाद उसमें क्या करना है आपको, काशी शादी तेल उस पर डालिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा तिल तेल डालिए ठीक है, काशी शादी तेल की मात्रा कम रखनी है, मतलब ऐसे समझिए आधा चम्मच या आधे चम्मच से कम आपने काशी तेल डाला है, और बाकी आप उसे तिल तेल में भिगो के अंदर रखवाइए, उससे भी खुल जाता है, अगर थोड़ा सा ब्लॉकेज होता है तो धीरे 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 सोते समय रखवाइए, और एक दिन रखवाइए एक दिन मत रखवाइए, एक दिन रखवाइए एक दिन मत रखवाइए, ऐसे करके हफ्ते में 3-4 बार रखा तो भी सर अच्छा करता है। आप लोग बहुत मेल पे मेल उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जो उत्तर बस्ती नहीं कर पा रहे हैं, पर स्टाफ नहीं है फीमेल, तो ऐसे करिए। मैडम इसमें हम लोगों को पीरियड्स के इतने बाद के दिन के बाद करना है, ये नहीं देखना मैडम, मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट्स नहीं देखना इसमें? नहीं मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट देखनी होगी ना सर, देखिए 4 days 5 days जिसको फ्लो आ रहा है ठीक है, तो हम उन दिनों में नहीं करवाएंगे सर, उन दिनों में नहीं सही रहेगा, मतलब अभी जो सर एक पूछ रहे थे तो उनकी उस समय इंटरनल लॉस खुला रहता है, खुले रहने से मतलब नहीं होता है, मतलब वहां से उस समय अगर आप कुछ डालेंगे तो आप सेंस से लगाइए कि वो तो निकल ही जाएगा ना, जैसे कभी कभी क्या होता है हम लोग डिलीवरी करते हैं तो डिलीवरी में क्या होता है लीकिंग हो जाती, जब हमारा ये मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती ठीक है, लीकिंग हो रही है तो हम लोग क्या करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन नीचे से भी डाला जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन खिलाया भी जाता है, तो अब समय अंजना मैम अगर सुन रही होंगी तो बताएंगे अच्छे से, उस समय अगर हम लोग टेबलेट या सर्वीप्राइम जेल नीचे से डालेंगे तो क्या होगा मैम, सब निकल जाएगा ना, वेस्ट हो जाएगा और कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, यूट्रस पे कोई इफेक्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि वहां से लीकिंग हो रही है वो सब बह जाएगा निकल जाएगा, तो उस दवा का हमको फायदा नहीं मिलेगा ना, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टैबलेट को मुंह में डाल के चुसवा देते हैं, तो फिर असर आ जाता है ना सर। कौन सी टैबलेट मैम? प्रोस्टाग्लैंडिन की टैबलेट्स ना, हेलो मैम, वर्ती
वर्ती रखने से फिर एनाफाइलेक्टिक शॉक बैठने का भी रिस्क नहीं रहेगा पेशेंट को कभी? जी जी सर, क्या समझ नहीं पाई, फिर से बोलिए। वर्ती रखने से? जी जी मैडम, जैसे उत्तर वस्ती के बारे में बताते हैं, अगर गलत तरीके से दिया गया या मात्रा अधिक दिया गया तो एनाफाइलेक्टिक शॉक बैठ सकता है पेशेंट को, तो ऐसा भर्ती रखने में तो एनाफाइलेक्टिक शॉक का भी कोई चांसेस नहीं रहेंगे? सर देखिए, इसमें बहुत वेरिएशन है। मेरी महाराष्ट्र की एक फ्रेंड है, तो वो बोल रही थी कि उनके कोई मेल डॉक्टर थे, तो उन्होंने जो वस्ती डलवाया था तो वो 5-5, 7-7 ml से भी ज्यादा बता रही थी वो, सर बहुत ज्यादा बता रही थी, 10-10 ml। तो सर बताइए, ये सब वेस्टेज है। यूट्रस इतना छोटा होता है, मैंने आपको बताया, जिसने यूट्रस कभी नहीं भी देखा होगा, अगर वो बलून देख ले बिना फूला हुआ, ठीक है, बिल्कुल समझिए आपने यूट्रस देख लिया, उसको पलट के ऐसे रख दीजिए, ठीक है, ऐसे पलट के, ठीक है, उल्टा करके बलून, बस बस बिल्कुल वही आकृति होती है। तो जो है इतने छोटे से उसमें, और लोग इतना, आभार सर के वीडियो देखिए, आभार सर पूरा अच्छे से बताते हैं, वो हमेशा मना करते हैं कि ज्यादा जो है वो नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, वो बार बार ये कहते हैं, लेकिन सर जाता ही नहीं है, इतना जाता ही नहीं है। जब यूट्रस में आप कैनुला डालिए तो देखिए आप कैनुला कितनी दूर तक जाएगा, डायलिटेशन के लिए जो हम लोग डालते हैं वो कितनी दूर तक जाता है, बहुत कम दूर तक जाता है, यूट्रस का साइज इतना नहीं होता है, यूट्रस इतना नहीं ले सकता। और फिर पता, ज्यादा देने से पेशेंट को बैक पेन बहुत होता है, तो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये देखा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आवार सर बिल्कुल सही बताते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है। ओके ओके, थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा आप। नहीं मैं तो मैडम, थैंक यू जी। ये पीचू जो रखना है वो कितने दिन तक रखना है, मतलब कि नेक्स्ट पीरियड आने तक हम अल्टरनेट डेज रख सकते हैं? पिचू कितने दिन तक रखना है ना, यही पूछ रही हूँ। पिचू भी हम जो है बहुत ज्यादा नहीं रखवाते हैं, मतलब जो है पिचू जो मैंने बताया ना, 6 days से स्टार्ट करवाती हूँ, लेकिन वही अभी जो बोला ना, हमारा यूट्रस का ऑस इंटरनल होता है, देखिए हमारे ओवुलेशन क्या टाइम होता है, आप उससे जोड़िए, पीरियड से जोड़िए, ठीक है, हमारा ओवुलेशन पीरियड गायनी सब जानती 14 days पे होता है, ठीक है, तो हमारा इसका मतलब ये हुआ कि यूट्रस हमारा 14 days तक इंटरनल ऑस थोड़ा थोड़ा खुला रहता है, ठीक है, तभी तो अंदर वो चला जाता है, स्पर्म चला जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 6 days से पिचू स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है, तो 6 days रखा, 7 days नहीं रखा, फिर 8 days रखा, फिर 9 days नहीं रखा, अल्टरनेट करवाती, और बस 14 दिन नहीं करवाती हूँ मैं, क्योंकि फिर वो ओव्यूलेशन का टाइम स्टार्ट हो जाता है, और फिर वहां पर मतलब काशी से या छाड़ से हमारे स्पर्म को कोई नुकसान ना हो, या फिर उसमें वो ना हो, और उसका वहां का पीएच मेंटेन रहे, तो फिर मैं 10वें दिन के बाद बंद करा देती हूँ, मैं फिर कुछ नहीं करती। ओके थैंक यू मैम। मैम वो शार्काक्सिस तेल का पीछू रखना है क्या? प्लेन कासिस का भी रख सकती हूँ मैम, वो भी वर्क करता है, छार भी मिला सकती हूँ, वैसे छार मैं ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, वो तेल पेशेंट को अगर कह देना तो दिमाग में रहता है कि दूसरे को नुकसान। मतलब या तो 2 ml इसका तेल यूज करे कासिस तेल, या फिर 2 ml क्षार तेल यूज करे, और अगर छठा आठवां या दसवां दिन है तो हम उसको सिर्फ आधे घंटे रखते हैं कि रात को सोते समय रख देते हैं पीछे? रात को सोते समय रखेंगे, ठीक है, ओके ओके, आधे घंटे रखना चाहिए, ठीक है, आधे घंटे रखना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि उसमें चला जाता है अंदर, जिस तरीके से हम उसको रस्ती करते हैं से जो है वो इतना ज्यादा नहीं जाता है, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को हमने रखवाया फिर हम कहते हैं आप रखा रहने दीजिए, और रात में जब आप वॉशरूम के लिए उठिए तब हटा दें। मैम मतलब उत्तर वस्ती भी डे 6 डे 8 एंड डे 10 में करते हैं 3 sitting? हाँ नहीं, दो बार भी, मैं दो बार से ज्यादा नहीं करती हूँ सर, पेशेंट को वैक एक ज्यादा होने लगता है, परेशानी होने लगती। मैम वर्ती का भी आपने कुछ बताया क्या, या सिर्फ पिचू का बताया? पिचू वर्ती नहीं, वर्ती का तो कुछ नहीं बताया जी मैम,
मैम डिसमेनोरिया में भी आप बस्ती कर्म करती हैं क्या? क्या हुआ, फोन आ रहा था, सॉरी जी। जी मैम डिसमेनोरिया में भी आपको इससे बस्ती से कुछ आराम मिला? हाँ डिसमेनोरिया में मेरी बहन की, मेरी घर की एक बच्ची है, तो जो है उसका हार्मोनल लेवल टेस्ट कराया था, तो हार्मोनल उसका ठीक आया। ठीक है, फिर उसका मोस्टली क्या होता है 12-13 साल में मेंसेस स्टार्ट हो जाती हैं लड़कियां, लेकिन उसको डॉक्टर को दिखाया गया लेकिन उसका मेंसेस स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो वो बहुत टेंशन में थी। हमने कहा कोई बात नहीं, परेशान ना हो। फिर उसके बाद मैंने उसको सिर्फ 4 बस्ती किया और 4 बस्ती के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आया। वो 16 साल की हो गई थी, तो फिर हमने सहचर तेल उसका सिर्फ 5 दिन बताया था मैंने, पर उसने 4 ही दिन करा पाया। मैंने उसको निरू दशमूल काढ़ा का दिया और उसके बाद मैंने उसे 3 बस्ती सहचर तेल की दी। ठीक है, और उसके दो, फिर उसका जो है पेट एकदम ठीक हो गया और 2 महीने के बाद जो है फिर उसका पीरियड में स्टार्ट हो गया। इसके बारे में एक बार हमने डॉक्टर अरविंद सर से भी कहा था कि उसको नहीं आ रहा, तो फिर इन्होंने कहा था दवा मंगा लेना, लेकिन फिर मैंने बहन से बोला, फिर उसने लापरवाही कर दी, दवा नहीं मंगवाई, लेकिन उसको मैंने बस्ती लगाया था और उसका पीरियड स्टार्ट हो गया। कितनी बस्ती लगाया था? सिर्फ 4 बस्ती किया था मैंने उसका, और जो है सहचर तेल का किया था और निरू दशमूल से किया था, पर रिजल्ट अच्छा आया और उसको स्टार्ट हो गया। सहचर तेल वाली कितने ml? 50 ml, वो छोटी मतलब बच्ची है तो 50 ml ही सिर्फ डाला था। थैंक यू मैम। एक निरू दिया था मैम? हाँ एक निरू दिया था, 3 सहचर। मैम नमस्कार। नमस्कार, मैं बरली से बोल रहा हूँ, डॉक्टर के एन गंगवार। मैडम ये टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव, वो तो क्या करना चाहिए मैडम? सर बस इसी में प्रॉब्लम आती है। मैं शाहजहांपुर की हूँ सर, आपका नाम? हाँ मैं बरली से हूँ मैडम, आयुर्वेदिक मेरा सेंटर है यहाँ पे बरली में। सुना है मैंने, और मैं आपके बहुत पास ही रहती हूँ, पर कभी मिली नहीं हूँ, आप भी बरेली आऊंगा। आइए, कभी स्वागत है मैम। जी जी, टॉर्च टेस्ट जो है इसमें सर थोड़े से निगेटिव रिजल्ट आते हैं। एक तो पेशेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, लेकिन जो है टॉर्च उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, और इसमें मैं फिर यही करती हूँ कि पेशेंट पहले से अगर आ जाता है हमारे पास, सबको बोलती हूँ, तो फिर मैं उनका विरेचन जरूर करती हूँ। और टॉर्च में वायरस होता है ऐसा मान के फिर मैं उनका पहले विरेचन करा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं उन्हें पित्त शामक दवाइयाँ चलाती हूँ थोड़ी सी, और चलाने के बाद में फिर जब वो आते हैं तो फिर मैं स्टार्टिंग में जो है पित्त शामक दवाइयाँ ही उनको ज़्यादा चलाती हूँ, और उस ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, उसका टॉर्च टेस्ट कराती हूँ। उसमें थोड़ी सी हेल्प एलोपैथिक डॉक्टर्स की भी लेनी पड़ती है, मैं अपना विरेचन निरेचन करा देती हूँ, और इसके बाद से एक बार ये जरूर बोलती हूँ कि आप किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर से इंटरेस्टेड जरूर मिल लें, क्योंकि वो लोग जो है रोवामाइसिन कोट वगैरह चलाते हैं, और ये जो है वैक्सीन वाला इंजेक्शन लगाती हैं रेबीज वाला, तो ये सब करते हैं वो लोग। तो फिर मैं पेशेंट को सेफली लेकर चलती हूँ, ये ना हो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर ही करता रहा और खराब हो गया। तो जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ बहुत अच्छे से नहीं आती है, तो फिर मैं उनको एलोपैथिक डॉक्टर के पास भेज के उसे कंसल्ट करवा के ट्रीटमेंट डलवा लूँ। तो मैडम इसमें क्या कहते हैं, फाउली स्मेल डिस्चार्ज भी आता है क्या? जी इसमें डिस्चार्ज भी आता है, बहुत ज्यादा फाउली स्मेल, मुझे कंप्लेंट दी थी पेशेंट की कि फाउली स्मेल बहुत डिस्चार्ज आ रहा है टॉर्च में। हाँ टॉर्च भी पॉजिटिव था उसका और फाउली स्मेल, तो मैं तो उसे क्या कहते हैं वाइट डिस्चार्ज मान के, स्वेद पेड़ मान के उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है मैंने। मैंने तब तक डिस्कस कर लूंगा कहीं ना कहीं। यही करिए, यही करना ही है उसमें, उसकी जो है वो वहां पे कुछ ना कुछ कफत संप्राप्ति है सर। इसमें आप सहचर तेल का बस्ती दीजिए, त्रिफला धावन दीजिए, और जो है जो आप ट्रीटमेंट चला रहे हैं ना उसका श्वेत पेड़ वो चलाइए, बहुत अच्छा फायदा होता है। मेरे पास अभी एक श्वेत पेड़ एक ऐसी पेशेंट आई जो 2 साल से केवल इसी चीज का ट्रीटमेंट करा रही है, और जानते हैं उसको 2 बार में मेडिसिन लेने में बहुत फायदा हुआ है उसको। मैंने किया क्या मतलब प्रकृति भी कफा जाए, बात कफा जाए।
हाँ देखिए है वातज कफज प्रकृति है, इसीलिए जो है उसको ये प्रॉब्लम बाय डिस्चार्ज की आ रही है। और मेरे पास जो पेशेंट आई उसने एलोपैथिक होम्योपैथिक सब कुछ कराया, लेकिन अभी उसको बहुत फायदा है। मैं क्या उसको दे रही हूँ आपको बताइए, उसको त्रिका धावन किया है, और त्रिका धावन के अलावा मैंने उसको वो दिया है सरगंधक रसायन, ठीक है, गंधक रसायन दिया है, और बाकी चंद्रवटी प्लेट को करके इसलिए वो दिया है। और मैंने उनको जैसे उनका अगर 2 हफ्ते ट्रीटमेंट चल रहा है 3 हफ्ते, तो मैं उनका पाचन के लिए चेंज करती रहती हूँ। जैसे अगर मैंने पहले महीने पहले हफ्ते में उनका आरोग्य चलाया तो मैं दूसरे में उनका आम पाचन चलाती हूँ, मैं तीसरे में मैं उनका कुछ और एडजस्ट कर देती हूँ जैसे इंग्वास्टर वगैरह चला देती हूँ, तो इस तरीके से मैं वो चेंज करती रहती हूँ। और गंधक रसायन चालू है और त्रिफला धावन भी चालू है, और एक मंत्री का धनमंत्री का स्वेद कैप्सूल आता है वो भी देती हूँ, अच्छा रिजल्ट आता है। नहीं सोएत पेड़ तो सही कर लूंगा, मैंने बहुत सारे पेशेंट आए हैं मैंने सही कर लिए, एकदम 100% रिकवरी हो जाती है। सर लेडीज को थोड़ा सा पता क्या है अनहाइजीनिक लगता रहता है, मैंने जितने भी वाइट डिस्चार्ज के पेशेंट आते हैं तो पता क्या होता है, मैं सबको त्रिफला धावन देती हूँ और वहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग होती रहती है और चंद्रभा बटी चलाती रहती है, जिससे क्लेद हमारा सूखता रहता है, तो सर बहुत अच्छे से आराम आ जाता है। और कुछ मतलब थोड़ा सा उनका मतलब थोड़ा सा उनको मेंटली लगता रहता है कि मतलब ऐसा होता रहता है, पर ऐसा बहुत कम उसमें होता है। देखिए वाइट डिस्चार्ज 2 तरीके का होता है, पेशेंट जो बताती है कंप्लेन, एक होता है वाइट डिस्चार्ज जो बहुत पतला होता है, ठीक है, और एक होता है वाइट डिस्चार्ज जो बहुत गाढ़ा होता है। तो जो गाढ़ा वाला होता है उसको वो लोग बहुत ज्यादा वैसा माला मान लेते हैं, जबकि वो देखा जाए तो ऑलमोस्ट मतलब रहता है। और जो वाइट होता है बिल्कुल वाटरी होता है उसमें प्रॉब्लम है, उसमें वाकई में पेशेंट परेशान रहता है, और वो हमारा स्ट्रेस से भी रिलेटेड होता है, और जब ज्यादा स्ट्रेस होता है तब जो है ये वाटर ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमें इसमें स्ट्रेस को भी लेकर ले चलना होता है, तो फिर हमें उसमें देना चाहिए फिर आराम आता है। लेकिन जो भी वाइट डिस्चार्ज के पेशेंट हो उसे हमेशा हमेशा मैडम यूट्राइन फाइब्रॉइड पे कुछ काम किया आपने, देखा है इसका रिजल्ट? यूट्राइन फाइब्रॉइड पे हम कोशिश की है, कुछ में रिजल्ट मिला है कुछ में रिजल्ट मैम नहीं मिला है, जाकर अपना उतना नहीं है, हमें रिजल्ट दे भी हैं तो थोड़ा थोड़ा घटा है, ठीक है, लेकिन जो है मैं पूरी तरीके से हर फाइब्रॉइड को नहीं घटा पाती, कुछ कुछ घटते हैं जैसे पीसीओडी वाले हैं या मतलब जो ओवेरियन से कुछ, तो असल में होता क्या है कंफ्यूजन पता क्यों क्रिएट होता है, जो वही अल्ट्रासाउंड चला है तो इसमें वो लोग जब फॉलिकुल बन रही होती है ना तो वो फॉलिकुलर सिस्ट होती है, ठीक है, और यहीं पे क्या होता है कि पेशेंट को सही गाइडेंस बजाय गलत गाइडेंस होती है और पता उसको डरा दिया जाता है कि तुम्हें सिस्ट है, और उसमें क्या होता है आधे से ज्यादा पेशेंट सिस्ट होती नहीं है मैम, और पता पेशेंट की दवाई चलती रहती है सिस्ट है ऐसे करके डॉक्टर कमाने के लिए फंसाए रखते हैं, और उसमें लिखा रहता है फॉलिकुलर सिस्ट या नहीं भी लिखा रहता है तो हमको को ही कंफर्म करना चाहिए फॉलिकुलर सिस्ट नहीं है, पर फॉलिकुलर सिस्ट है तो कुछ बनेगी और फिर हमें ये देखना क्योर हो जाए, ठीक है, और बाकी तो फिर वो करती हैं। तो ये चीज होती है कि पहले तो ये कन्फर्म होना चाहिए कि वाकई पेशेंट को सिस्ट है या नहीं, क्योंकि ये जो कंफ्यूजन जो आजकल क्रिएट हो रहे हैं मतलब ये एलोपैथिक डॉक्टर पेशेंट को धोखे में रख के कंफ्यूजन क्रिएट करके उनको सिर्फ फंसाए ज्यादा रखते हैं, ये चीज हम लोगों को नहीं करनी, हमें उन्हें बताना चाहिए फॉलिकुलर सिस्ट है, ये बनती रहती हैं बिगड़ती रहती हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर वाकई में सिस्ट है तो मैं काशनार गुगुल यूज करती हूँ, उसके अलावा जो अंजना मैम ने बताया अभी अभी हमने स्टार्ट करना शुरू करा है अलसी का लेप पेल्विक रीजन में, तो पेशेंट को मैं खुद ही बोल देती हूँ मेडिसिन मैं देती हूँ कि अलसी जो है
मतलब उसको पीस के उसका लेप करें। और बाकी वही AKT ये सब भी चलाती हूँ, पर बहुत अच्छा नहीं कह सकती, लेकिन जो फॉलिकुलर सिस्ट का झूठ मूठ ट्रीटमेंट चलता रहता है वो चीज़ ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता, मैं ये सब नहीं करती हूँ। मैं पेशेंट को हमेशा बिल्कुल सही राय देती हूँ, और ये सब फंसाए रखना, कमीशन लेना, ये सब मैं नहीं करती, मैं बहुत सीधी सच्ची प्रैक्टिस। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। आप जो मैडम जी बोल रही है ना, ये कॉलेज है ना फाइब्रॉइड में उत्तर वस्त्र में देखते हैं जी, फाइब्रॉइड वाले पेशेंट में उत्तर वस्ति क्यों नहीं देते मैम? कौन सा वस्ति? उत्तर वस्ति। देखिए फाइब्रॉइड में एक्चुअली होता क्या, डिपेंड करता है मैम कि फाइब्रॉइड कहाँ पे है हमारा। पहले हमें ये देखना पड़ता है कैसे क्या, जो ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं ठीक है, तो कभी कभी तो ओवेरियन सिस्ट वास्तव में होती है और काफी बड़ी हो जाती है, 7-7 सेंटीमीटर की भी देखी हमने, इससे बड़ी भी देखी। और क्या होता है कि मतलब कभी कभी क्या होता है, ओवरी फूल जाती है, जो PCOD में नहीं वाटर का सब लोग बोलते रहते हैं वैसा होता है, उसे भी लिख दिया जाता है ठीक है। और कभी कभी ये सिस्ट हमारी यूट्रस के अंदर होती है, आप यूट्रस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया वलून ठीक है, तो वलून में अगर यूट्रस पकड़ना तो इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा वलून है ये ठीक है, अगर ऑस के आसपास कहीं है ठीक है तो अलग है, अंदर होगी ऊपर नहीं ठीक है, ये और ये ऊपर आता है यहाँ फंडस में अगर है या फिर इंटीरियर पोस्टीरियर हुई, अगर यहाँ है तो एक मिनट और, तो आप अगर उत्तर वस्ती देंगे तो सारी मेडिसिन जाएगी ठीक है, तो तुम जाएंगे इस बैलून के अलावा इधर आ जाइए आप इधर, तो हम फैलोपियन ट्यूब्स में कैसे चले जाएंगे या ओवेरियन सिस्ट तक हम कैसे पहुंच जाएंगे, कैसे वहां तक जाएगा मेडिसिन हमारा, तो वहां की सिस्ट पे ओवेरियन सिस्ट पे अगर आप वास्तव में काम करना चाहते हैं उत्तर वस्ती नहीं जाएगी। अब हमें ये भी देखना चाहिए कि पेशेंट को मतलब हम क्या दें और फालतू में हम उसका पैसा यूज ना खर्च ना कराएं, अच्छा रहता है मुझे ऐसा लगता है, तो चक्कर में नहीं डालते। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके वेलकम मैडम, नमस्ते, प्रणाम मैम। जी जी प्रणाम मैम। बल्कि यूटेरस और हेमोरेजिक सिस्टम में क्या प्लान करते हैं आप? जी बल्कि यूटेरस और क्या बोला? हेमोरेजिक सिस्टम मैम। हीमोरेजिक सिस्ट, देखिए हीमोरेज से पता चल रहा है ना, अगर हीमोरेजिक सिस्ट है तो उसमें क्या है, उसमें हमेशा ब्लड आता रहेगा ठीक है, उसको हम कैसे कर सकते हैं, वो नहीं जाएगा। अगर हीमोरेजिक सिस्ट है तो ब्लीडिंग पाइल समझ सकते हैं ना हम लोग, तो फिर उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग पाइल है तो मतलब आप कुछ समय के लिए रक्त स्तंभक औषधियां यूज करके उनको रोक तो सकते हैं, उस समय के लिए आप सर्वाइव करा सकते हैं, लेकिन ये इसमें जाएगा नहीं। आप जब तक कसाय रस यूज करते रहेंगे और रक्त स्तंभक औषधियां देते रहेंगे तब तक तो होगा, लेकिन सर ये जाएगा नहीं, इसमें हमें सहारा सर्जरी करना पड़ेगा ऐसा लगता है। और भी ओपिनियन किसी को? बल्कि यूटेरस में, बल्कि यूटेरस तो सर बहुत अच्छे से जाएगा ना, PID है, इन्फ्लेमेशन है, जैसे कि हमारा आर्थराइटिस में उस दिन मैं पूछ रही थी ना, ये सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या होता है, कुछ चीजें समझने में समय लगता है ना, तो एक सर ने हमें बताया, यही आयुष दर्पण पे एक सर बोले मैडम ये इंफ्लेमेटरी कंडीशन है ठीक है, तो वैसे ही ये भी क्या है सर, बल्कि यूट्रस क्या है, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, इंफ्लेमेशन यूट्रस का, इंफ्लेमेशन को कम करने की दवाइयां दीजिए, सर बताते हैं ना, अरविंद सर बताते हैं कितना अच्छा है AKT, अमृता कैसे दीजिए ठीक हो जाएगा जी जी मैम। हाँ मैम AKT दे रहे हैं सर, बस चला जाएगा, हाँ इन्फ्लेमेशन चला जाएगा, उसी से चला जाएगा, बहुत कुछ नहीं देना पड़ता है, थोड़ा सा रूपन पाचन दे दीजिए और फिर AKT चला दीजिए और धावन चलाइए, त्रिफला धावन जरूर चलाइए जी मैम, बहुत कवर करता है त्रिफला, इन्फ्लेमेशन को बहुत अच्छे से कवर करता है जी मैम। एक और मैम, ये प्रेगनेंसी में मैम जो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है मैम, वो सोल्व नहीं हो पाती मैम बहुत सी पेशेंट में। देखिए मैंने आपको बताया ना,
वाइट डिस्चार्ज का ऐसा प्रॉब्लम है, हम लोग चेक करते हैं, मेरे पास पेशेंट आते हैं, कभी कभी नहीं रहता है पेशेंट को, पर पता क्या होता है कि उसको मतलब मैं जैसे ना किसी चीज को कन्विंस करना पड़ता है, तो पेशेंट को ही मतलब काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, और जो भी वाइट डिस्चार्ज का पेशेंट है तो डिलीवरी में धावन की कोई जरूरत नहीं होती है। तो सर वहाँ पे जो लोग गायनीज होंगी और उन्होंने किसी वगैरह के लिए देखा होगा या चेक करती हैं, तो वहाँ पर स्टिकी म्यूकस होता ही बहुत है, तो फिर वो आता है तो उतना वो नहीं है, लेकिन हाँ होता है, किसी किसी में बढ़ता है, और उसके लिए आप यही सब पित्त शामक को पूछ करिए, वो खपत से नहीं है, उस समय हम ज्यादा मतलब दफा वो वैसी मेडिसिन चला भी नहीं सकते वाली, तो पित्त शामक औषधियाँ ही देते रहिए, धावन थोड़ा बहुत क्लीनिंग रखे प्लेन वाटर से, उसी से कर हो जाए। बाकी गर्भपाल रस चलाइए ना, गर्भपाल रस से कवर होता है सर, उसमें भस्म होती है, नाक भस्म होती है, बंग भस्म होती है, और वो सॉरी गर्भपाल रस चलाइए, गर्भपाल से फायदा होता है, वो तो पुष्प धामा होता है नाक। थैंक यू मैम, हेलो गरिमा मैम, मैं डॉक्टर स्मिता बात कर रही हूँ, और डिलीवरी के टाइम आपने जो बस्ती बोला था उसका इंडिकेशन क्या रहेगा, ऑस ओपन होना चाहिए 2 सेंटीमीटर, या कब देना है, आप बोले ऑल टाइम पे दिया तो पेन भी बढ़ सकता है। हाँ ऑल टाइम पे नहीं दे सकते, ये जरूरी नहीं है कि आप 2 फिंगर देखिए, कभी कभी मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनका 7 मंथ में ही ऑस खुल जाता है और 2 फिंगर पड़ा रहता है। आपको ये पहचान होना बहुत जरूरी है कि हमारा टाइम डिलीवरी का स्टार्ट हो गया है, ठीक है, इफेसमेंट है, तब आप करिए तो फायदा होगा, और अगर आप गलत टाइम पे देंगी तो फिर उससे सिर्फ नुकसान होगा, क्योंकि मैं इतने सारे पेशेंट को किया है, एक बार एक पेशेंट थी उसमें जो है मैंने सोचा आज लाओ थोड़ा जल्दी लगा देते हैं जल्दी हो जाएगा, तो मतलब क्या था वो होने के बजाय इतने के मतलब मैं 2.5 साल से यूज कर रही हूँ, लेकिन एक पेशेंट मैंने आज तक 3 पेशेंट ऐसे देखे जिनमें मुझे वस्ती का रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। एक पेशेंट थी उसका जो है, क्योंकि जो निगेटिव है वो जरूर बताना चाहिए पॉजिटिव के साथ में, क्योंकि अगर निगेटिव छुपा लिया और सिर्फ पॉजिटिव बता दिया तो सही नहीं है, पर निगेटिव जरूर बताना चाहिए, पहले निगेटिविटी देखनी चाहिए तब आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। हमने सिर्फ पेशेंट ऐसे मैम आज तक एक पेशेंट हमारे पास आई तो हमने सोचा कि इसका जो है हमें लग रहा था कि हो जाएगा, उसमें हमें कंफ्यूजन हो गया एक्चुअली, तो उसको हमने बस्ती मतलब दे दिया 200 ml या 150। उसके बाद क्या हुआ, उसको ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, और इतना ज़्यादा बढ़ गया ऑस ओपन नहीं हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर हमें उसका सीजन की तरफ भेजना पड़ा, ठीक है, और 2 पेशेंट ऐसे थे जिनका पेन नहीं रुका, ठीक है, तो उन्हें भी मतलब सर्जरी करानी पड़ी। सिर्फ 3 पेशेंट ऐसे थे जो मतलब हमारे उससे निकल गए, लेकिन वो नहीं, कोई जरूरी नहीं कि क्योंकि होते तो सिजेरियन दोनों चीजों की व्यस्त है। हेलो हेलो गरिमा मैम जी, हेलो जी, हाँ बोल रही हूँ मैम, बोल रही हूँ, आवाज नहीं है हिंदी में, मैं डॉक्टर कृष्णा बोल रही हूँ मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी जैसे आप बस्ती देते हैं ना ड्यूरिंग डिलीवरी, तो वो पेन में होती है विदाउट पेन होती है, या डायलेशन कितना होता है, 1 finger 2 finger? देखिए मैंने अभी बताया कि जो फर्स्ट बस्ती जब हमने नाना जी से सीख के स्टार्ट की तो मैंने आपको बताया उसका जो है पेन नहीं था, सर्वाइकल स्टेनोसिस थी, ऑस नहीं बढ़ रहा था, वो लोग दिखा के आए थे सब जगह, तो उनको बताया गया था कि सिजेरियन होगा, स्टेनोसिस थी, और उसमें हमने फर्स्ट टाइम बस्ती दिया था, क्योंकि हमने नाना जी के यहाँ डिलीवरी के केसेस नहीं होते, हमने वहाँ कुछ नहीं देखा था, मतलब पंचकर्म करना सीखा लेकिन और नहीं देखा था, तो हमने उस फर्स्ट केस में लगाया था, उसमें बिल्कुल भी पेन नहीं था,
लेकिन लगाते ही उसका सर्वाइकल स्टेनोसिस खत्म हो गया और इतना अच्छा डायलटेशन हुआ कि लास्ट तक उसको इतने अच्छे पेन आए और फिर बहुत कम मेडिसिन लगा के अच्छे से डिलीवर हो गए। तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये डायग्नोस करना जरूरी है कि क्या डिलीवरी का टाइम है, क्या बस्ती लगाने का टाइम है, तब आप लगा। क्योंकि मैम जैसे ना गांव में जैसे पहले था तो गांव में जैसे लोग इंजेक्शन वगैरह लगवा के आते थे, यूपीडोसिन वगैरह लगवा के आते थे, सिंटोसिन वगैरह ड्रिप वगैरह लगवाई और ओस सिर्फ वन फिंगर है और उसकी सर्विक्स है वो लेंथ काफी लंबी है और बॉटल शेप में है, तो वो डिलीवरी तो होगी नहीं, किसी भी हालत में भी नहीं होगी, नहीं हो सकती, यही तो पहचान है। अभी इसमें क्या था, इसमें कमी क्या रहा, उनके देखने में कमी ये रहा, अभी मैंने समझा एक्सटर्नल लॉस इंटरनल, इतना डीपली कोई नहीं बताता, अपनी नॉलेज कोई नहीं सिखाता, मैंने देखा है गायनीज इतना छुपा छुपा के काम करती है, गायनीज के बारे में तो ऐसे समझिए कभी कोई खुल के बोलता ही नहीं है कि कहीं कोई सीख ना जाए और करने ना लगे, लेकिन आप लोग पूछे मैं खुल के बताती हूँ क्योंकि सब हमारे साथ नहीं जाना, अच्छी बात है सब सीखेंगे सब करेंगे, आयुर्वेद का नाम होगा इसलिए तो आप इतनी अच्छी हैं, हम आपको अपने इसमें बुलाए हैं, आप अपना नॉलेज शेयर कर रही हैं और आपके वजह से कितने लोग करेंगे अब, इसलिए तो अच्छी लगती है। सर मैं चाहती हूँ मैं बताऊँ, मैं सब कुछ साथ लेकर थोड़ी ना जाऊंगी, सब कुछ ही छोड़ कर जाऊंगी, हम सब एक ही है, हम सब फैमिली मेंबर्स है आपके। हाँ हाँ तो सर मैं इसमें बताती हूँ, अभी जो मैम ने एक केस पूछा इसमें एक गलती हुई, दाई से अक्सर ऐसा होता है, जो एक्सपर्ट दाई होती है उनसे नहीं होती, इसमें क्या थी कमी की एक्सटर्नल लॉस और इंटरनल लॉस, देखिए इसमें इफेसमेंट हुआ नहीं, जब इफेसमेंट हुआ नहीं तो उन्होंने बस्ती वो उन्होंने इंजेक्शन लगवा दिए, तो क्या हुआ इंजेक्शन से कॉन्ट्रेक्शन बढ़ गया, कॉन्ट्रेक्शन बढ़ गया ऑस ओपन नहीं हुआ, ठीक है कॉन्ट्रेक्शन बढ़ते जाएंगे पेशेंट दर्द से बेचैन हो जाएगी और जो है उसका तुरंत सर्जरी कराना पड़ेगा, वो नहीं हो सकता, गड़बड़ कर दिया ना उन्होंने, इसीलिए ऑक्सीटोसिन लगाने की जल्दी नहीं कभी करनी चाहिए, क्योंकि अगर और होता क्या है, लेकिन एलोपैथिक में वो लोग प्रोस्टाग्लैंड अब लगाने लगे, वो लोग पहले क्या था सिर्फ सिंटो लगाया करते थे, ऑक्सीटोसिन लगाया करते थे, ऑक्सीटोसिन कभी ऑस ओपन नहीं करता है इतनी आसानी से, और पता क्या होता है डिलीवरीज में प्राइमरी सेकेंडरी मतलब मल्टी पैरा, फिर क्या होता है मैम हमारी बॉडी में जो फर्स्ट बच्चा होता है तो फर्स्ट बच्चे में मतलब इतना अच्छा ऑक्सीटोसिन बॉडी रिलीज करती है कि आप ना भी लगाओ तो चलेगा, कोई जरूरत ही नहीं है, पता है इंडक्शन अपने आप से स्टार्ट हो जाता है, और जो है ये दाई लोग क्या करती हैं, ये लोग ऑक्सीटोसिन लगा लगा के पेशेंट को बेकार कर देती हैं, ऑस ओपन होता नहीं है, कॉन्ट्रेक्शन बढ़ते रहते हैं, और कॉन्ट्रेक्शन अगर ज्यादा ये जो डिलीवरी का पेन होता है वो इतना मतलब भयंकर होता है, लेडीज जानती होंगी जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई होगी, अगर वो ज्यादा देर रुक जाए तो औरत पागल हो जाएगी, इसीलिए पता हम लोग आयुर्वेद के थ्रू मतलब कम पेन से पेनलेस समझिए कर सकते हैं, और पता बहुत इजीली करते हैं हम, और पता पेशेंट को ज्यादा तकलीफ ही नहीं होती, मेरे पास जो है पेशेंट को डिलीवरीज में इतनी प्रॉब्लम कभी नहीं है। हाँ मैम एक और था ना जैसे उत्तर बस्ती में आप कैथेटर यूज करती हैं, तो मेरी एक सजेशन है उसमें, जैसे हम ये स्केलवेन सेट नहीं होता, हाँ 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 आईवी जो लगाते हैं हम स्केलवेन सेट, उससे भी अच्छी तरह अंदर यूट्रस के अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं, छोटा स्केलवेन काट लो उसको और बहुत सॉफ्ट होता है वैसे भी वो, लेकिन मैम उसमें आगे निडिल होती है, इसलिए इससे अच्छा जो है वो फीडिंग ट्यूब बहुत बढ़िया है, आप करके देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने युक्ति बहुत तरीके से लगाई, जब मुझे फर्स्ट टाइम बस्ती देनी थी और हमारे पास कैन्यूला नहीं था, कैन्यूला खत्म हो गया तो हम बहुत परेशान हो गए कि हम अब नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे कैसे करेंगे, पर पता आयुर्वेद हमें सिखाता है, युक्ति सिखाता है कि बिना संसाधनों के हम काम कैसे करें, तो ये बहुत जरूरी है, इसीलिए हमें अपना काम करना है और कैसे भी करना है, कैसे भी युक्ति लगा, और ये तभी होगा जब आपका दृढ़ निश्चय बिल्कुल हो कि मुझे करना है, तो आपको सब तरफ युक्ति दिखाई देगी, आप सब कुछ वही सोचती रहेंगी और करके छोड़ेंगी, और मैं ऐसे ही करती हूँ। मैम रिकरेंट अबॉर्शन के केसेस में क्या किया जा सकता है? रिकरेंट अबॉर्शन के केस में भी सर मैं ऐसा करती हूँ, उसका टॉर्च टेस्ट जरूर
अगर टॉर्च टेस्ट इसका पॉजिटिव आता है तो उसे मैं जरूर भेजती हूँ। उसके अलावा मैं ग्रेचन करती हूँ और फिर उसके बाद मैं पित्तशामक औषधियाँ यूज करती हूँ तो फिर मतलब अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर ब्लड ग्रुप इनकम्पेटिबिलिटी जैसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का केस है, क्या उसमें कुछ आयुर्वेद कर सकता है? मतलब बच्चा पॉजिटिव है और माँ निगेटिव है? नहीं, हस्बैंड इज पॉजिटिव, मदर इज निगेटिव, वाइफ इज निगेटिव। तो सर ऐसा तो नहीं होता है, हमने तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि मतलब उन लोगों को होता है और अब तो ऐसा भी होने लगा है उसमें एनटीडी पहले से ही लगने लगा है। अब जो है लोग 6 महीने और 7वें महीने एनटीडी लगवा लेते हैं तो फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं आती है। नहीं वो तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बाद है, आयुर्वेद में कुछ ऐसा किया जा सकता है क्या? नहीं सर हमें इसका आइडिया नहीं है, सॉरी। आपने बस्ती की वजह कभी एरंडल तेल यूज किया है वातानुलोमन करके कॉन्ट्रैक्शन लाने के लिए? पास पेशेंट आएगा। हेलो, और आप देखिए कि आपको लग रहा है कि इसकी डिलीवरी में 24 घंटे से ज्यादा कि ऐसा पेशेंट ज्यादा लगे क्योंकि पेशेंट बहुत परेशान करने तो मैं क्या करती हूँ उसको एरंडेल दे देती हूँ देने के बाद दे लेना जाके तो क्या होता है कि तेल जो है उसका मतलब थोड़े थोड़े से घर में ही। अब जैसे मान लो आपको कोई चेक कराने आया फाल्स पेन हो रहा है उसको, ठीक है, या कुछ है तो डिलीवरी का टाइम नहीं है आपको लग रहा है वो 24 घंटे से ज्यादा लेगा उसे एडमिट मत करिए। मतलब वैसे आप मतलब जो कुछ भी करिए लेकिन जिसके बड़े सेटअप्स में वो कुछ भी करें लेकिन जैसे मेरे लेवल पे जो मैं 24 घंटे से ज्यादा वाला केसेस में पेशेंट को ऐसे एरंड तेल या 1-2 दिन मुझे लग रहा है कि लगेगा तो मैं देन के भेज देती हूँ और फिर उसका पेन इंक्रीज हो जाता है फिर वो आता है तो आपको और थोड़ा ओपन भी मिलेगा और अच्छे से कर पाएंगे। हेलो मैम, मैं बोलूं कुछ? हाँ हाँ बोलिए मैम। हाँ, कई बार पेशेंट है ना डॉक्टर साहब क्या होता है 1 फिंगर में आ जाता है और फॉल्स पेन होते हैं उसको। हाँ, तो उस पीरियड में मैं कभी भी उसको एरंडेल नहीं देती थी। हाँ, अगर वो 2 फिंगर तक डायलेशन है और इफेसमेंट अच्छी है तो मैं एरंडेल देती थी उसको और बहुत अच्छी मतलब उसको पेन इतने जबरदस्त होते थे बहुत अच्छी तरह डिलीवर करता था वो। हाँ, होता है मैम। तो क्या ये इसमें देखिए क्या हुआ है हम लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। अगर हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर हम लोग फेल नहीं हो सकते। तो हम लोगों को वातानुलोमन ही तो करना है। आज हम लोग सुबह जो पढ़ रहे थे अष्टांग हृदय में तो आप बात का निकाल के पढ़िए कि उसके गुण कर्म क्या है। तो बात का काम क्या है? विभाजन। बात का काम क्या है? चलन। बात का काम है मतलब नीचे की वायु क्या है? अपान वायु, उसका अनुलोमन होना चाहिए। तो वही वो ही हमारे मल मूत्र और फीटस को निकालने के काम में आती है, बच्चे को निकालने। आजकल आप देखो कितने ऐसे केसेस होते हैं, मैं इसके बारे में जरूर बताना चाहूंगी। जैसे मैंने अभी बताया फाइब्रॉइड के बारे में, ऐसे ही लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी तरीके से डिलीवरी के टाइम पे बहुत खिलवाड़ हो रहा है, ये हम सबको जानना भी चाहिए। देखिए डिलीवरी का टाइम हम लोग जानते हैं 8×32, ठीक है, 32 वीक्स मतलब 8 महीना पूरा, 9×36 9 महीना पूरा, ठीक है, 10×40 मतलब 10 महीना पूरा। तो क्या होता है फीटस जो है वो 10 महीने तक अंदर हम रख सकते हैं, ठीक है। 10 महीने के बाद जो है जैसे पेड़ पे फल पक जाए तो हमें तोड़ना भी चाहिए, उसे खाना भी चाहिए, नहीं तो फिर वो खराब हो जाता है, उसका मीनिंग नहीं रहता। ऐसे ही 10 महीने के बाद जो है यूट्रस अगर अंदर रहता है तो वो बेबी डेड होने की चांसेस रहते हैं। और अगर किसी तरीके से नहीं हो रहा है तो उसे सीजर जरूर एडवाइस करिए। मैं ये नहीं कहती कि नहीं करिए या ये गलत है, तो करना चाहिए। लेकिन आजकल जो गाइनीज के डेट देते हैं या अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर डेट देते हैं तो वो क्या करते हैं 36 और 38 हफ्ते पे पेशेंट को बुला के एडमिट कर लेते हैं बिना पेन के और फिर उसके बाद 1-2 दिन एडमिट रहते हैं। फिर पेशेंट अपने मुंह से कहता है कि डॉक्टर साहब हम कब तक पड़े रहेंगे, दर्द नहीं हो रहा है, जल्दी निपटाइए, जल्दी सीजर करिए, नहीं हो रहा है तो सीजर करिए। डॉक्टर नहीं कहता है, पेशेंट कहता है। इसलिए ये चीज जानिए,
वेट करिए और हमेशा आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पास जाके हमेशा निरु बस्ती आठ में मैंने जरूर करवाइए, ताकि आपका जो मतलब गर्भ है बच्चा है वो 10 महीने के बाद तक ना जाए और आपका मतलब 9-9.5 महीने पे डिलीवरी हो सके। ये बात मैं जरूर गायनेकोलॉजिस्ट को कहूंगी कि वो लोग ध्यान दें और ऐसा करेंगी तो आपके पेशेंट में डेट कभी ओवर नहीं जाएगी और बहुत अच्छे से हो जाएगी। मैम इनफर्टिलिटी के कई केसेस में शिवलिंगी बीज पुत्र जीवक गिरी फलग्रत चलाया गया जी, उसके बाद में इनका प्रेगनेंसी हो गई, कंसीव कर लिया जी। लेकिन कंसीव करने के बाद में कई केसेस में रिकरेंट अबॉर्शन की संभावना पहले रही थी, तो उसको आगे ना होने दिया जाए। तो उसके बाद एक प्रश्न आपसे ये है, क्या पुत्र जीवक गिरी का रिकमेंडेशन हम आफ्टर कंसीव करने के बाद भी दे सकते हैं? नंबर एक, गर्भपाल रस क्या रोल प्ले करेगा इस ऐसे केसेस में? देखिए सर, पुत्र जीवक का तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि पुत्र जीवक को जो देना होता पहले ही दिया जाता है, लेकिन रुकने के बाद में सर मैंने दिया नहीं है, इसलिए मुझे कोई इसका आइडिया नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई कुछ भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैंने यूज नहीं किया। अच्छा, गर्भपाल रस हमने यूज किया, हम यूज करते हैं और पेशेंट में फर्स्ट सेमेस्टर में हम गर्भपाल आफ्टर कंसीव भी चला सकते हैं। हाँ, कंसीव के बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने शुरू के, 3 महीने तक देना है, उसके बाद नहीं देना है। इसमें सर होता है, सुनो क्यों चलाते हैं, क्योंकि जो आपने अभी बताया ना रिकरेंट एबॉर्शन, तो गर्भपाल रस उसका नाम ही है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि नाम के अनुसार जो है वो उसका प्रभाव ही होता है, तो गर्भ को पालने के लिए गर्भपाल रस, तो गर्भपाल रस तो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा चलाते हैं सर। नहीं तो वो काम क्या कर रहा होगा, क्या जो यूट्रस के लिगामेंट होते हैं, एक ब्रॉड लिगामेंट होता है, एक राउंड लिगामेंट, उसको मजबूती देता है, कैसे क्या कार्य करता है ये, कुछ इसके बारे में? सर वो जो है हमें मतलब मैं इसमें मैंने कोई उस की नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जो एवोशन होता है, असल में गर्भपाल रस जो है ना 9 महीने तक देने के लिए बोला है गर्भपाल रस, क्योंकि वो गर्भ की रक्षा करता है, पाल का मतलब है सेनापति, गर्भ का सेनापति है गर्भपाल रस। हाँ हाँ वही है सर, कि मतलब अब जैसे पेशेंट का मैं वही कह रही कि हम इसका सेंस कैसे निकालें, जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि अबॉर्शन हो जाता है, तो अबॉर्शन क्यों होता है सर, हम पहले ये सोचेंगे। अबॉर्शन इसलिए होता है ज्यादातर केसेस में, अगर मान लीजिए टॉर्च भी पॉजिटिव नहीं है, अबॉर्शन के भी कई कारण होते हैं, जहां पर गर्भ बढ़ नहीं रहा होता है, मतलब जहां पर ग्रोथ सामान्य ना हो, ठीक है, तो वो मतलब मिसकैरेज हो जाता है, तो हमें वहां पर ग्रोथ सामान्य करनी है, ग्रोथ को बढ़ानी है, तो मतलब जो है वो गर्भपाल रस देना चाहिए, और हम थोड़े से सर इसमें एलोपैथिक का भी सहारा लेते हैं, गर्भपाल भी देते हैं लेकिन हम एलोपैथिक का भी सहारा लेते हैं, बस्ती का भी सहारा लेते हैं, तो फिर सर अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैम पुंसवन के बारे में कुछ आपका अनुभव? नहीं सर, इस पे नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि जो है ये लॉ के विरुद्ध है, और कोई भी काम लॉ के विरुद्ध भी नहीं करना चाहिए और अपने उसूलों के विरुद्ध भी नहीं करना चाहिए। थैंक यू मैम। मैम जैसे ना 7th मंथ या 8th मंथ में जैसे एमनियोटिक फ्लूइड है ना, नहीं पुंसवन वाले पे मैं बताती हूँ सर, अगर पुंसवन आएगा ठीक है, तो पता क्या होगा, आप किसी को पुंसवन के लिए देंगे उससे गलत चीज बढ़ेगी, एक चीज मैं बस इतना बता रही हूँ, दीजिए अच्छी बात है, ग्रंथों में है यूज करिए, कोई वो नहीं है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन जो आपसे पुंसवन नहीं मेडिको लीगल केस बन जाता है मैम आजकल। हाँ वही मैं कह रही हूँ, एक तो मेडिको लीगल बन जाता है, दूसरा उससे गलत काम को बढ़ावा भी मिलेगा, जैसे कि जो आजकल अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं लिंग भेद के, सब जगह लिखा होता है नहीं हो रहे हैं फिर भी लोग करते हैं, तो पता क्या होगा, अगर आपने पुंसवन के लिए दिया तो वो पता फिर वो अल्ट्रासाउंड कराएंगे, फिर वो डीएनसी कराएंगे, एटलीस्ट क्या होगा सब कुछ आपके ही सिर पे आ जाएगा, मतलब जो है कि आपने दवा दिया गलत दिया और ऐसा हो गया वैसा होगा, लड़का का लड़की हो गया, लड़की का लड़का हो गया, सर इन सब चक्करों से दूर रहिए,
मैम पुंसवन के बारे में हमारे ग्रंथों में लिखा है कि उस वो धी स्मृति मेधा वृद्धि के लिए भी किया जाता है, इसका केवल यही इंडिकेशन नहीं है कि नहीं, वो तो सही है, लेकिन सर वही चीज है, ग्लास कोई कहेगा आधा खाली है, कोई कहेगा आधा भरा है, आपने दिया है अच्छाई के लिए। सर गुडेल गुडेल बेबी करके कर सकते हैं सर, मैं करती हूँ लेकिन पुंसवन नाम नहीं देती हूँ, और गुडेल बेबी करके आज भी कर सकते हैं। मैम क्या करती हैं आप, जरा थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। सर किसी दिन और बताऊंगी, मैडम का टॉपिक चल रहा है आज, मैडम कोई सुनते हैं। बोली ना मैम, कोई वो नहीं, नहीं मैम कुछ भी सिंपल नस्य रहता है, लेकिन उसका विधि रहता है वो बनाने का, उसको देने का। मैं भी करवाती हूँ, लेकिन वही मैंने कहा ना कि जो है मैं शिवलिंग के बीज यूज करती हूँ, और जो भी दुग्ध सिद्ध जो है जो पार्टनर है उन्हीं से करवाती हूँ, लेकिन गुड हेल्थ बेबी करवाती हूँ, और उसके साथ में गर्भ जो भी परिचर्या है, गर्भिणी परिचर्या, उसमें मासिक और उसके साथ में जितनी हमारी परिचर्या में बताए, आठवें महीने के बाद में मैं भी बस्ती और पिचू, ये दोनों चीज, और अभ्यंग कटी अभ्यंग और सर्वांग अभ्यंग, इसको बहुत ज्यादा ये देती हूँ। तो वो कुछ उसके बारे में जो हमारे लिटरेचर में लिखा हुआ है पुंसवन के बारे में, लक्ष्मणा सिद्धबला और वट वगैरह वृक्षों का जो वटांकुर भी यूज करती हूँ सर। हाँ वटांकुर भी यूज होता है। अच्छा उसमें ये भी रहता है कि कब इस्तेमाल करना है, शायद तीसरे महीने में रहता है, फिर किस नासा में देना है? नहीं सर मैं पहले सर 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 सर, सर लक्ष्मणा इनफर्टिलिटी के लिए है, और दूसरा जो आप कह रहे थे तीसरे जी सर, और दूसरा आप जो बोल रहे थे ये जो कंसीव से पहले ये पुंसवन संस्कार किया जाता है सर 1.5 महीने तक। लेकिन पुंसवन संस्कार पे पीसीपी एनडीटी एक्ट है, ऐसा मत बोलेगा कि हम बेटा बेटी होने के लिए दे रहे हैं 14 साल। जी आप ऐसा बोल सकते हैं कि पुंसवन संस्कार गर्भ को अच्छा करने के लिए हम लोग दे रहे हैं। गुड हेल्थ बेबी, गुड हेल्थ बेबी। हाँ ऐसा मॉडिफाई करके बोलिए, आप ऐसा प्रचार करेंगे तो अच्छा गरिमा गुप्ता जी बेटा होने के लिए देती हैं, पुलिस लेके आएगी फिर वो पकड़ के ले जाएंगे, इतने अच्छे डॉक्टर। मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि जो मैं कह रही ना कि आप ऐसा करके दीजिए भी मत, क्योंकि अगर आपने किसी आप पुंसवन संस्कार बोलिए उसको कि हम अच्छा गर्भ देंगे, अच्छा संतान देंगे, लेकिन एडवर्टाइज नहीं होना चाहिए कि बेटा बेटी होने के लिए दे रहे। हाँ हाँ वही मैं कह रही हूँ, ऐसा मत करिए, क्योंकि पता क्या होगा फिर लोग उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, और फिर सर आपका अच्छा किया हुआ सब आपका बुरा हो जाएगा, तो फिर ऐसा कोई नाम कमाने में पूरा टाइम पूरा जिंदगी लगता है, और नाम खराब होने में 2 मिनट लगता है। हाँ इसीलिए मैं कह रही सर आप सारे टॉपिक लीजिए और पुंसवन को मत लीजिए, अच्छा नहीं है। मैम एक हमारे एक क्या कहते हैं वैद्य जी थे, तो वो 7 भांग के बीज, 7 मोर के पंख, गुड़ और इसका पुत्र जीवक गिरी और शिवलिंगी बीज, इसका लड्डू बनवाया करते थे 1 सप्ताह तक, 3रे महीने के पहले दिन से 7वें दिन तक दिया करते थे, उसके काफी अच्छे रिजल्ट देखे गए। हालांकि वो कैसे देते थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, पीसीपीएनडीटी एक्ट उस समय था कि नहीं था, इसके बारे में तो ज्यादा मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन वो करते नहीं थे। था सर पहले कुछ नहीं था, वो मतलब एक्ट की जरूरत नहीं होती, एक्ट की जरूरत तब होती जब अपराध होता है, और जब अपराध ही ना हो तो एक्ट की क्यों जरूरत होगी। पहले क्या कोई लड़का लड़की गर्भ की कोई जाँच कराता था? कुछ नहीं कराता था, जब कुछ गलत है ही नहीं तो फिर जो है एक्ट की जरूरत। असल में वो मारने लगे ना बेटियों को देखते ही। वही तो मैं कह रही हूँ, डॉक्टर की गलती है, अपराध करना शुरू कर दिया भाई, गलत काम करना शुरू कर दिया, निकलवाना हटवाना शुरू कर दिया, तो बताइए एक्ट आएगा नहीं फिर तो। अच्छा मैम आपके स्तर से अभी एक मैडम बता रही थी वटांकुर वगैरह का इस्तेमाल नाक में डालते थे, तो जरा थोड़ा सा उसको और थोड़ा मॉडिफाई और क्लियर क्लेरिफाई कर दें कि कब स्टार्ट करना है प्रेगनेंसी के, कितने दिन के बाद, किस नॉस्ट्रिल में देना है। कई बार वो कहा जाता है कि दाहिने नॉस्ट्रिल में डालेंगे तो पुरुष संतान होगी, बाएं नॉस्ट्रिल में। आप तो वही वही टॉपिक घुमा के ला रहे हैं, मैडम को फंसाना चाहते हैं, ये रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहे हैं, सब जगह जाएगा, सर, आज दर्पण को खराब करना छोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर हम एक टॉपिक छोड़ दें तो नहीं चलेगा क्या हम लोग? बिल्कुल नहीं चलेगी, हम लोग रोटी नहीं खा सकते। धृति स्मृति मेधा वृद्धि के लिए तो कम से कम किया ही जा सकता है। छोड़ दीजिए ना सर, अगर सर, एक सर, उसके लिए तो वही काम करवा रहे हैं।
उसके लिए समृद्धि के लिए नोस्ट्रिल की क्या जरूरत है, किसी भी नोस्ट्रिल में नाशा ही शीर्षो द्वारम, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? नाशा ही शीर्षो द्वारम जब बोला है तो ईड़ा और पिंगला नाड़ी पे कार्य होता है। जब हाइट बढ़ाने के लिए हम लोग दे रहे हैं पूर्णेंदु पूर्ण सोम दे रहे हैं, सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम जागृत हो रहे, ये तो है ना, ये साइंस है, इससे फायदा होता है, हाइट बढ़ाने में भी फायदा होता है। बड़े बड़े जो ब्रेन पार्किंसन डिजीज है, मोटर न्यूरॉन डिजीज है, उन सब में भी नस से का फायदा होता है, उसमें क्या ऐसे डाउट क्या है? लेकिन कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट मत बोलिए जिससे आयुष दर्पण का नाम खराब हो, सब रिकॉर्ड हो रहा है और सब लोग देखते हैं, 10 साल बाद भी देखेंगे तो लोग बोलेंगे इस पे ये चर्चा हुआ था। हाँ सर प्लीज हमारा भी नाम खराब होगा, इस टॉपिक को छोड़ दीजिए सर, इस टॉपिक को छोड़ दीजिए। और दूसरा बताइए ना, साथ में वो दे सकते हैं। अरे और हम लोग स्वर्ण प्राशन काय के लेकर आ रहे हैं। एक मिनट डॉक्टर अंजना सक्सेना मैडम जी, आपको ये मैडम का कैसा लग रहा है नॉलेज? डॉक्टर अंजना सक्सेना मैडम जी है क्या? जी सर नमस्कार सभी, कैसा लगा आप पर्सनल व्यू में? हाँ सर, मैडम मैडम का जो प्रैक्टिकल व्यू है, अपना अपना उनका अपना अनुभव है, उनकी लाइफ के ये बहुत स्वर्णिम दिन है, उन्होंने अपना बहुत समय दिया है और बहुत मेहनत की और कितने पेशेंट की जान बचाई है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हमारे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर इतना अच्छा काम कर रहा है और स्पेशली स्त्री और महिला सुरक्षा के लिए, महिला स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कर रहा है, तो हमें सबको गर्व अनुभव हो रहा है और हम यही चाहते हैं कि इसमें किसी भी तरह की कोई भी गलत बात ना आए और किसी तरह का कोई गलत डिस्कशन ना हो। डिस्कशन जो हेल्दी डिस्कशन चल रहा है उसी डिस्कशन पे हम लोग फोकस रहे तो सभी लोग अच्छे से लाभान्वित रहेंगे। और गरिमा मैम आपको बहुत 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 ही धन्यवाद कि आप इतने सच्चे मन से और अपनी बात को इतनी सफाई से कह रहे हो और लग रहा है जैसे आप अंदर मन से बोल रहे हो, कहीं भी कोई भी शो नहीं है, कोई भी लाग लपेट नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी आपको अहंकार नहीं है। मैडम आपको शत शत प्रणाम, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बात सुनकर। अरे मैम आप लोग इतने सीनियर हो प्लीज ऐसे मत कहिए, थैंक यू। अच्छा लगा मैडम सीनियर नहीं आप हाइड्रा नर्स के लिए क्या देना चाहिए? 8 मंथ है, 8 मंथ प्रेगनेंसी है और एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा है तो क्या दे सकते हैं हम आयुर्वेदिक में? एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा है और दूसरा क्या बोला मैम, समझ नहीं पाया मैंने। 8 मंथ है, अच्छा 8 मंथ है, अच्छा ठीक है। देखिए मैंने एक बार ये और भी बताया था टॉपिक, किसी ने चेला था एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, हम हमेशा ये लेकर चलते हैं, जैसे रिकरेंट अबॉर्शन है तो मतलब क्या है, ग्रोथ नहीं मिल रहा है, या टॉर्च है, या थायराइड है, इन सबको हमें फैक्टर्स देखेंगे उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे। अब आपने बोला कि एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा है या एमनियोटिक फ्लूइड कम है तो बेटा इसको काटो, तो फिर इसमें एमनियोटिक फ्लूइड क्या है हम ये देख के चलेंगे। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बच्चे का जो पेशाब होता है, ठीक है, वो ही एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें मूत्र की मात्रा बच्चे की मात्रा बढ़ जाने से इसमें एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ जाए। तरीके से देखा है कि मतलब स्वर्ण प्राशन खिलाने आया तो कहना रखा है खिला दो, उनको बैठा लो और खिला दो। आज एक्चुअली हमने बच्चों का फ्री स्वर्ण प्राशन रखा था ना, तो कुछ का शाम को है और कुछ का सुबह को है, तो ठीक है ऊपर से ले जा। सेशन बंद करने का टाइम आ गया है गरिमा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सेशन बंद करने का टाइम आ गया है। जी 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 ओके सर, थैंक यू। सब लोग मैम को थैंक्स बोल दीजिए, वोट ऑफ थैंक्स बोल दीजिए सब लोग। मैडम मैडम थैंक यू मैम, थैंक यू मैम वेरी नाइस सेशन, वेलकम मैम, वेलकम, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत आप लोग अच्छे से करें, बस यही है हमारे लिए। प्रणाम सभी को। अब मैं सेशन बंद करता हूँ, कल सुबह स्वर्ण प्राशन संस्कार बनाया जाएगा, वो ड्रॉप्स बनाया जाएगा, सब लोग आ जाएगा, 7 बजे सुबह मिलेंगे। एक्चुअली आज हमारा अभी अभी एक बच्चा आया है, आज मैंने फ्री करा है स्वर्ण प्राशन, तो अभी फ्री मतलब जो है वो आज बच्चे आ रहे हैं तो अभी एक आया है उसको खिलाना भी है, ठीक है। तो हम सुबह मिलते हैं, प्रणाम सभी लोगों को, गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्ते सर, गुड नाइट।